नहीं करते, बट ठीक है। ऑल पॉजिटिव राइट, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। हम लोग कुछ बात कर रहे थे अपने पॉजिटिव नॉस्टैल्जिया शेयर। नहीं, मेरा तो जिंदगी का सबसे बड़ा, मतलब ये समझ लो कि जिस दिन से मतलब आवाज आती थी ना कि सुबह नींद खुलती थी तो मन में हमेशा ऐसे गंदे ख्याल के साथ बोलता है ये साला फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर वही स्कूल जाना पड़ेगा, फिर आज कोई ना कोई चिल्लाएगा, फिर कुछ ना कुछ पिटेंगे किसी से या कुछ काम होगा आज, फिर उसकी कॉपी चेक करानी थी, कुछ नहीं। और उम्मीद है। हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। सॉरी नहीं, प्लीज बीच में यार उसको वो करो, क्या नाम है, काटो बीच में बात में, वो द सीनियर। ओनली पॉजिटिव थिंग दैट आई हैव अबाउट स्कूल की वो खत्म हो गया। ठीक है कि वो जब तक चल रहा था वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का। और मैं जैसे आपको बता भी रहा था अभी कि दुनिया के रो रही होती है भाई, हमने हमारा रीयूनियन हो गया हमारा। मैं अपने 12th के खत्म हुई, मैं आज तक एक बंदे से नहीं मिला हूँ, आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी, वो कहाँ है सारे के सारे लोग, क्या कर गजरे रहे चुराई है कि हैं। गजरे हाँ चुराए गजरे चुराई है कि कोई पूछने चुराए लगे तू क्या कर रहा है। कि साथ हाँ मतलब मेरा भी नहीं रहा रहा ऐसा कोई खास, ज्यादातर मतलब कि अगर गलती से कहीं फोन पे या वैसे मैसेज वैसेज हो गए तो हो गए, वरना ज्यादातर तो नहीं रहा है। ऊपर से मेरा तो, मैं तो उस पर्टिकुलर, मतलब तुम तो भाई बहुत अच्छे उसमें रहोगे, मैं अपना बताता हूँ। मैं लिटरली 11वीं कक्षा में फेल हुआ, मतलब कि फेल वाला जो स्टूडेंट होता है ना कि 11वीं फेल हो गए। अब एक तो उन्हीं से, क्योंकि उस टाइम पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है इस पर्टिकुलर बात से, लेकिन तब तक तो ये कंडीशनिंग थी ना, मतलब ये महापाप की कैटेगरी में आता है कि तुम क्लास में फेल हो गए हो, ये महापाप की कैटेगरी में आता है। और फिर उसके बाद तो तुम पुराने वालों से क्या नजरें मिलाओगे और नए वालों से क्या नजरें मिलाओगे, और हर चीज को लेकर के कि कोई कॉपी है कल चेक होनी है, साली आज नहीं मिल रही, आज ही गायब होना था इस कॉपी को, अब ये बस आज मिल जाए तो मैं बस गंगा नहाया हूँ कैसे भी करके। क्या क्या अंकित मतलब भाई आप 11th में फेल हुए, पता है मैं 6th क्लास में फेल हुआ हूँ। ठीक है 6th में कोई फेल नहीं होता है, 6th में गवर्नमेंट पास कर देती, मैं उसमें भी फेल हुआ। इसको रोक लो भाई, ये नहीं जाना ये नहीं जाना चाहिए। चाहिए। इस चीज में ना हमेशा एक लाइन है मीम में मैंने पढ़ी थी कि लोगों की चाइल्डहुड मेमोरीज होती है हमारी हाँ सर्वाइवल स्टोरीज है। मतलब मुझे आज चिल याद है कि मैं 6th क्लास में कंपार्टमेंट आई थी, 6th क्लास में कंपार्टमेंट आई है मेरी, मैं फेल भी नहीं हुआ था, कंपार्टमेंट में फेल हुआ हूँ मैं तो। कंपार्टमेंट आती है और इतना मतलब वो देखो मतलब कि किस तरह से भगवान मुझे पनिश कर रहे थे। जो मेरे कंपार्टमेंट का एग्जाम था मैथ का, वो मेरे बर्थडे वाले दिन था, 19th। हैप्पी बर्थडे बेटा, एग्जैक्टली मैं जा रहा हूँ उस ये दिन, हैप्पी वही बर्थडे अपनी और ये रहा तुम्हारा बम्बू। अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ मैं। इतना मतलब पढ़ाई में इतना अच्छा बच्चा था कि मैं कंपार्टमेंट का एग्जाम देने गया और मैं ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना भूल गया। ठीक है कि जिससे स्केल होता है, डी मैथ होता का है, हाँ जी प्रकार होता है, ये सब मैं सब भूल गया। मैं घर आया, मम्मी ने पूछा एग्जाम कैसे गया, मैंने कहा मैं ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना भूल गया, मेरे को बर्थडे बॉम्ब मिले पहले मम्मी से। ठीक है बहुत पीला कि साले एक तो 6ठी क्लास का कंपार्टमेंट, तो ऊपर से तेरे बर्थडे वाले दिन तू तो सब कुछ देना भूल भी रहा है, तो बस खत्म हुआ। तो यार मेरा स्कूल सबसे अच्छा हुई था। आई एम सो हैप्पी, मतलब मैं भी सेम नितिन भाई। कि हम जब सीए कर रहे थे बेसिकली, जब तो हमारे साथ एक चीज होती है कि अंकित भाई आपको बता दूं, जब आप सीए कर रहे होते हो ना तो आप बीकॉम को बहुत हल्के में लेते हो, हमें लगता है अरे मजा आ गया, हम तो अच्छा चार्टर्ड अच्छा अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है। तो अकाउंटेंसी का एग्जाम बीकॉम में मैं अपना कैलकुलेटर ले जाना भूल गया था तो जिससे सारा पेपर होना था वो कैलकुलेटर ही भूल गया, और मैं ही नहीं मेरे अलावा जो 30 बच्चे बैठे थे उनमें से एक के पास कैलकुलेटर था, लेकिन वो सीए नहीं कर रहे थे, वो लेजिट भूल चुके थे अपने घर पे अपना कैलकुलेटर, उनको जरूरत ही नहीं लग रही थी। वाह ये होते तो हैं। लेकिन मैं जैसे ही मैं बैचलर्स में आया उसके बाद, लाइक उसके बाद बस एक बार हल्का सा वो मोमेंट आया था मेरा इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर में, जब मेरे से लैब्स और लैब का माहौल और गाइड वगैरह झिल नहीं रहे थे, मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट कि वो एक्चुअली मैं ही नहीं बना था पीएचडी के लिए। तो मेरी ऐसी पर्सनैलिटीज को पीएचडी करनी भी नहीं चाहिए जिनका एक ध्येय नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे तुम्हें 5-7 साल लगाने हैं, लाइक वो मतलब कि मैं ही नहीं हूँ उस तरीके का। तो एक हल्का सा बहुत मेरा सीन आया था जब इंटीग्रेटेड पीएचडी के दौरान, और वो इतना क्योंकि मुझे पहले से ही वो बर्थडे बम मिल चुके थे अपने अपने टाइम के, तो मैंने बोला कि भाई अगर ये अभी छोड़ दी ना तुरंत की तुरंत, जब मुझे ख्याल आया कि ये नहीं झेल रही है मेरे से, अभी छोड़ दी तो छोड़ दी, फिर अगर इसमें 2-2 साल मैंने अगर इन्वेस्ट कर दिए तो फिर मेरे को वही लगेगा कि यार मरवा लेते हैं 1-2 और साल और पीएचडी लेकर के निकल लेते हैं। लेकिन फिर मेरा, मैं आई एम वेरी मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट फैसला कि चलो छोड़ दी वो पर्टिकुलर, उसमें भी तो हल्का सा बस तब आया था। लेकिन हाँ मतलब कितना कब खत्म हुई थी मेरी, 2011 में मैंने एडमिशन, मतलब हाँ 11 में मैंने एडमिशन लिया था इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 11 से 13 वो रहा था, 13 से 16 मास्टर्स, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी था, बट वो लोगों ने फिर बोला कि सालों बीच में से नहीं निकल सकते, पीएचडी अगर नहीं कर रहे हो तो 1 साल
वो दे करके जाना पड़ेगा एज अ लाइक बॉन्ड की तरह के भाई इसमें रिसर्च करके जाओ एक साल में. तो वो 3 साल की एमएस जो है उन लोगों ने करवा ली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर में. लेकिन हाँ मैं बहुत तब से लेकर स्कूल छोड़ने से लेकर के अब तक मैं बस एक हल्का सा इंसिडेंट में बता दूँ तो आई एम हाई ऑन लाइफ. मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं ये ना बोलूँ कि यार मजा आ रहा है लाइफ में, मतलब कि आई एम सो हैप्पी हर चीज़ को लेकर के. कभी आया ही नहीं डाउन वाला दिन. मतलब जिंदगी है तो चलती रहती है लेकिन एट अ लाइक कोर लेवल कभी नहीं लगा कि यार ये क्या चल रहा है जिंदगी में, कभी भी नहीं. आप ऑफिस गए वैसे कॉर्पोरेट लाइफ में? नहीं, वो इसका भी डिजाइन इसलिए वो एक्टिवली डिजाइन किया, ये 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 एक्टिवली डिजाइन किया. ऐसा नहीं कि ये नहीं किया, मतलब करना नहीं था मुझे या ऑप्शन नहीं थे इस पर्टिकुलर टाइप के. ये मुझे उससे ही तो पता चला, मतलब जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला जो आया समय उसी वक्त ये आइडिया पता लगा कि भाई ये मेरे अगर ऊपर कोई बैठा है ना तो मैं झेल नहीं पाऊंगा. मतलब ठीक है पीपल आर मेंट फॉर इट, अगर कोई पर्टिकुलर कई लोग होते हैं ना जिनके प्रेशर में बड़ा बेहतरीन काम कर देते हैं, मतलब कि वो प्रेशर में बढ़िया करते हैं. मैं प्रेशर में ऐसे करता ऐसे क्या कर, मतलब कि और कर कुछ इंजॉय भी नहीं करना है, वो काम भी नहीं करना है, और वो टाइम बस चला जाएगा कहाँ पता नहीं, और को ना तो काम हुआ और ना ही तुम कुछ इंजॉय भी कर पाए. वो वाली हालत होती है ना कि पेपर से पिछले महीने में, जब पेपर होने वाले हैं उससे पिछले महीने में भले से तुम पढ़े ना पढ़ो ना लेकिन फिल्म देखने नहीं जाओगे, मतलब तो वो वाला साइकोलॉजी की ना तो फिल्म ही देखने गए और ना ही पढ़ाई ही की. लेकिन वही कि फिल्म देख 3 घंटे की फिल्म देखने नहीं जाएंगे क्योंकि वो पढ़ाई का वो चल रहा है, तो वही वाला हिसाब था. तो इसलिए मैं आई वाज डैम क्लियर अबाउट माय सेल्फ कि भाई कोई भूखा नहीं मरने वाला है, कर ही लोगे कुछ ना कुछ, और ऑप्शन मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से करके. तो फिर मैंने वही ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया कि मेरे को ऊपर नहीं चाहिए, मेरे हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं. बस मैंने मेरे को हिट एंड ट्रायल मेथड से ये बात पता चल गई तो बस उसी बेसिस पे मैं काम कर लेता हूँ इस चीज़ को लेकर के. और यही चीज़ हुई आईआईटी, बीच में मौका भी मिला पिछले से एक साल पहले में आईआईटी गांधीनगर के अंदर में एक लैब है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग करके एक लैब है. जैसे आई डोंट नो कि आपने नाम सुना होगा पुणे के अंदर में, मतलब इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है साइंस टॉयज और साइंस कम्युनिकेशन के अंदर में, अरविंद गुप्ता टॉयज करके एक है. मतलब कि वो घर के जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, चप्पल से टॉय बनाना, चप्पल से खेल बनाना बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो बहुत बड़ा नाम है. उनकी टेड टॉक भी है, मतलब टेड एक्स टॉक नहीं, ठीक है, क्योंकि टेड एक्स टॉक हर बंदे की है, टेड टॉक तो उनकी टेड टॉक है. तो वो बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर में. तो उनकी ही मतलब के सक्सेसर्स की एक बंदा उनकी लैब है, प्रोफेसर है डॉक्टर मनीष, तो वहाँ पर भी जाने का मौका मिला था. तो समहाउ बहुत बेहतरीन लैब थी, मतलब मेरे काम से बिल्कुल रेजोनेटिंग, साइंस कम्युनिकेशन से बिल्कुल रेजोनेटिंग. फिर भी मैं उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं रुक पाया क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, मतलब कि वो हल्का सा मैंने इतने साल में बोला चलो ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है मेरे में दिमाग आ गया हो, अब मैं शायद वो सीनियर और जूनियर की जो डायनेमिक्स होते हैं उससे मैं टूट चुका हूँ, उससे ऊपर उठ चुका हूँ शायद. नहीं, वो आते ही वो हॉर्मोन्स जो है वो सीक्रेट होने लग जाते हैं. मैं कहा ठीक है नहीं नहीं हो रहा है, निकलते हैं यहाँ से, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं हर बंदा. क्या कुछ बोलते हैं ना इसको ऑटो क्रिएटिव कुछ बोलते हैं ना, कि जब किसी के पास अथॉरिटी होती है काम डेलीगेट करने की, कुछ ऑटो क्रिएटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो. तो वो मतलब वो कब आपको पता लगा एक्चुअली ये चीज नहीं हो पाएगी, मतलब स्कूल से ही, क्योंकि अगर ट्रॉमा था तो स्कूल में नहीं, पीएचडी वाला, क्योंकि स्कूल में ये तो था ही ना हमेशा से ही, मतलब वो तो ये था कि भैया सो रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, पिताजी ने एक बार आवाज मार दी, अब बस हार्मोन सिगरेट हो, क्या कर दिया आपका क्या किस बात पे पड़ेगी पता नहीं तो मतलब इंडिया में तो ये इतना तक बुरा वो है ना यार, कि देखो ना उम्र वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं उठा करके देखूं कि जैसे ही आपको सामने वाले की उम्र पता चलती है ना, आपका बिहेवियर उस उम्र के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. इंडिया में होता है, और इसके लिए खास हिदायतें थी जो हमें डीकंडीशन करने की कोशिश कर रहे थे आईसर वाले, बहुत अच्छे थे. तो उन्होंने बोला था कि भाई टीचरों का नाम बोले सर्वर कुछ नहीं चलेगा, अब नाम लेकर के बात करो, मतलब कि इक्वल लेवल पे बात करो, तुम प्रॉब्लम्स भी अच्छी डिस्कस कर पाओगे, और लाइक कंपैरेटिवली बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि मेरे को बहुत अच्छा समझ में आता है. लेकिन इंडिया के अंदर में मैं ये देखता हूँ, मतलब कि जैसे ही आपको सामने वाले की उम्र पता चलती है, यहाँ तक कि हमारे 3 सालों में, कि अगर तुमसे लिटरली कोई 1 साल सीनियर भी है ना, तो उसके सामने ऐसे मतलब कि ऐसे मतलब चरणों में ही लेट जाओ जैसे उसके कि सर आप, भैया आप, दीदी आप, जबकि 1 साल का अंतर है, कुछ भी इंटेलेक्चुअल हो सकता है, यू आर लाइक बेटर देन हिम, हम उसके लेवल पे बात ही नहीं करते हैं कि लाओ लेट्स टॉक, लाइक इसको साइड रख देते हैं 1 सेकंड के लिए. हम लोगों का सेंट्रलाइज है मेरे ख्याल से उम्र के लिहाज से, हमारे एक्टिंग हम बड़ा शुरू कर देते हैं सामने वाले के सामने. ये तो है लो, बट नहीं एक चीज बिल्कुल सही बात है. जैसे अगर नितिन तुझे भी याद होगा जब हम अपने इंटर्नशिप कर रहे थे कहीं पर बैठ के, तो हमारे को इस चीज के लिए स्पेशली स्कोल्ड कराया था ना कि आप इनके आपके सर हैं या आपकी मैम हैं आप इनको, जबकि ऐसे नहीं कि बहुत सारा डिफरेंस है हमारे बीच में, वो 2 साल 3 साल हमसे आगे गए हैं, फिर
वो उस चीज को लिंक कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में उल्टा नहीं था क्या? कॉर्पोरेट में है, लेकिन जैसे मैं इंडियन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, कि जो जैसे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप हमारे को कोई सीए फर्म से करनी पड़ती है, व्हिच इज लाइक अ मिड साइज फर्म और अ स्मॉल साइज फर्म सम टाइम, तो आप वहां पर जाओगे तो आज भी आपका सर मैम का कल्चर है वहां पर। इस चीज को बहुत ही फोकस दिया जाता है कि यू हैव टू कॉल इट सर और हिम और हर, सर और मैम बोलना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में नहीं है, कॉर्पोरेट में मना कर दे रहे इवन आप उनके नाम से लो ताकि पता ना लगे कि वो आपको मैनेजर था, कि आप मार ना पाओ उसको, तो इसके लिए हटा देते हैं। तो ये चीज हटा दिया उन्होंने। कुछ सीनियर्स ऐसे थे जो इन्होंने सामने से बोला था कि हमें सर या मैम बोला जाए। ठीक है, इस मामले कॉर्पोरेट wants you to just first वो name capitalism का idea है ना central के भाई, आपने को चाहिए पैसा तो सब लोग मिलावट करके उसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ पर status game नहीं चल रहा, वो नवल रविकांत का idea है ना कि भैया या तो तुम status game खेल सकते हो या money game खेल सकते हो। money game में सब लोग जीत सकते हैं, status game में सब लोग नहीं जीत सकते, लेकिन हम ज्यादातर अपनी life में status game खेल रहे हैं सब लोग। तो मतलब कि मेरे काफी ज्यादा क्या कितना ही पड़ा होगा, मतलब आज तो मैं सीखने आया हूँ बकैती में, लेकिन हाँ नवल रविकांत का जब मेरे को पहली बार सुना था तब मेरे को बड़ा झटका लगा था कि काफी सारे आइडियाज मेरे शैटर हुए थे मनी या इस पर्टिकुलर रेल्म में जाने वाले। आई डोंट नो कि आप लोगों ने नवल रविकांत को सुना है कि नहीं सुना है, उनके दो तीन पॉडकास्ट है। तो नवल ने, क्योंकि नवल से ही मुझे नवल ने अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से 4 या 5 लोगों को ही इंट्रोड्यूस कराया है, टिम फेरिस, निकोलस नसीम तालेब, कपिल गुप्ता और डेविड डॉइच, ये 4-5 ही लोग हैं जो नवल रविकांत ने कभी मतलब कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इंट्रोड्यूस कराया हो कि प्लीज लाइक इनका काम खा जाओ, मतलब इनका 100% काम खा जाओ। चाहे जिसके अंदर में निकोलस नसीम तालेब का पूरा एंथोलॉजी है ना 5 किताब का, ब्लैक स्वान, लाइक एक वो कोई तो बिस्तर पे सो रहा है, एक स्किन इन द गेम, फूल्ड बाय रैंडमनेस और एक और बचा, ये 5 का मतलब उसने बोला है कि भैया ये एक किताब है बेसिकली, दिस इज एन एंथोलॉजी जो 5 किताब की बनती है। तो इसी पर्टिकुलर दुनिया के अंदर, क्योंकि वो तो गरियात है, वो जो निकोलस नसीम तालेब है वो बंदा पहले उसने स्टॉक मार्केट में जा करके पहले ट्रेडिंग करके पहले पैसा बनाया है और वो बाद में प्रोफेसर बना है। मतलब जनरली आपको देखने को मिलेगा कि जैसे चाहे हमारे अभिजीत बैनर्जी हो, चाहे जिनको भी इकोनॉमिक्स के अंदर में, मैं अपना दिमाग में यही सोचा था कि जो भी इकोनॉमिक्स वाले हैं ना इनकी जरा निकालते हैं कि ये थेलर, रिचर्ड थेलर हो, शिलर हो, ये जितने भी इकोनॉमिक्स वाले जिनको नोबेल प्राइज पकड़ा दिया, इनको मैं जरा देखता हूँ कि इन लोगों ने क्या कोई पॉपुलर साइंस की किताब लिखी है क्या इकोनॉमिक्स के नजरिए से। तो चाहे वो क्योंकि दो चीजें देखनी थी मुझे, एक बेसिक मैथमेटिक्स की किताबें आ जाए क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और इन सब को अगर मुझे मिल जाए, जिसके अंदर में स्टीवन स्ट्रोगेट्स, यान करके हैं और भी 3-4 लोग हैं, इनकी बेसिक ड्रंकर्ड्स वॉक, मतलब बेसिक मैथ्स आ जाए, है ना, जिसके अंदर में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स समझ में आ जाए। फिर इसके बाद एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट जो है, चाहे वो कैनमैन हो, चाहे ट्रेविस्की हो, चाहे ये लोग हों, इनसे थोड़ा सा ये पता चल जाए कि भैया इंसान, क्योंकि पैसा इंसान इमोशंस का पुतला है, वो इतना जितना मर्जी बोल ले कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जैसे ही किसी स्टॉक में देखता है ना वो 200% बढ़ गया या 100% बढ़ गया तो उसे तुरंत होड़ लगती है कि कैश करा लूं, या वो वाले जो संकेन कॉस्ट फैलेसी की, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा गिर गया है तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसी से रिकवर करके लाऊंगा, मतलब कि मैं लेट इट ब्रीथ, थोड़े दिन इसमें पैसा पड़े रहने देता हूं, थोड़ा पैसा उठ जाएगा जब तो मैं इसमें से पैसा तब जा करके निकालूंगा। चाहे वो मतलब आइडिया कि इंसान का पैसे के प्रति रवैया उसके इमोशन से भी ड्राइव हो रहा है, एक बहुत बड़ा अंश उसमें उसका भी है, तो उसमें ट्रेविस्की वगैरह को सोचा था मैंने। फिर ये सारे आइडियाज पढ़ते पढ़ते ये नवल रविकांत भाई साहब ने वो मेरे ऊपर बम फोड़ दिया था, निकोलस नसीम तालेब का। और ये बंदा अगर तुम्हें ऑफेंड नहीं करता है पहली बार में तो फिर तुम उसको नहीं समझ रहे हो। तो इसने पहली बार में मुझे इतना ऑफेंड किया, इतना गरियाता है ये भाई साहब अकेडमिशियंस को बेसिकली कि भैया ये कि आओ, क्योंकि इसकी निंदा गेम यही है कि जितने भी तुम बकैती करने वाले लोग हैं मतलब इस पर्टिकुलर रेल में, वो सारे के सारे स्टैनफोर्ड, बर्कली इधर बैठ करके बकैती कर रहे हैं, और किसी का भी खतरनाक बोले कि जो बोलते हैं ना चार्ली मुंगर का कोट है शायद ये, कि मेरे को बकैती नहीं सुननी तेरी, मेरे को अपना पोर्टफोलियो दिखा दे, मैं समझ जाऊंगा तो किस टाइप का बंदा है। मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट कि मुझे नहीं, मेरे तेरे को तेरे ख्याल नहीं मेरे को चाहिए बिल्कुल भी, तू बस दिखा पोर्टफोलियो, अपन देख लेंगे उसके अंदर में कि तेरा तू किस आइडियोलॉजी से आ रहा है, इंडेक्स फंड वाला है कि कौन से वाला है। तो वही वाला मेरे को स्किन इन द गेम इसलिए बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, बट वो ये ना, लेकिन आपने किसी की कहा वो भी ना कि सेइंग कि फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम अ फिलोसोफर, कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे वो शब्द के लिए किसी काम के नहीं है, कि तुम्हारे पास पहले पैसा हो तो मेरे से आगे बात करना, कि तुम्हारे पास क्या है।
अच्छा एनीवे मैं आपको बता दूं कि मैं क्या सोचा था हमारे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले। तो हमारे माइंड में मैं और नितिन यही बात कर रहे थे कि इससे पहले मेरी ऑडियंस के बता रहे, जैसे हम अंकित जी से पहले मिल चुके थे, अंकित जी नहीं यार प्लीज इसको खत्म करने का यार। अच्छा अंकित, अंकित से हम पहले मिल चुके थे हमारे एक पॉडकास्ट। अरे भाई क्यों मार रहे हो, मतलब इसको कंबल में मलमल में लपेट के मार हमने करा था, जिसपे हमारे को इंस्टाग्राम पे रील में बहुत ज्यादा प्यार मिला लोगों से, ठीक है, और हमने डाला था, हमने सोचा था कि यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब तो आई थिंक तुम लोग, आप लोग नहीं देख रहे होगे, बट यूट्यूब पर मुझे जितनी होम्योपैथी को लेकर जो गाली पड़ रही है ना, बोले कि बोल के वो गया गाली हमें की पड़ रही, होम्योपैथी डॉक्टर लड़ रहे हैं नीचे कमेंट्स में या तुमने, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ऐसे ही हो। अच्छा डू यू नो लाइक डिड यू हैव एनी लाइक आईडिया ऑफ द हाउ होम्योपैथी लाइक वर्क, जो उस दिन हमने बकैती कर तो दी, और एक तो एक्चुअली क्या है ना, उसका उसका एडिट इतना ज्यादा बेहतरीन बनाया वो जिसने भी बनाया, बहुत मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर में जरूरी नहीं कि वो हर बार चले उस टाइप का, कई लोगों को वो सैचुरेटिंग भी लगा इस नजरिए से कि इट वाज लाइक टू बम्बार्डिंग ऑन मी टू मच, मतलब कुछ मेरे को लोगों ने ये वाला बोला, ये वाला एक आइडिया था, लेकिन जो लोग कम उम्र के है ना, ये उम्र वाला फैक्टर मुझे नजर आया कि जो ज्यादा उम्र वाले लोग थे बोल रहे थे ये लाइक कुछ ज्यादा ही बम्बार्ड कर दिया, जो कम उम्र वाले लोग थे उनको पसंद आ रहा था, क्योंकि उनको दिस लाइक ईडीएम वीडीएम वाला फील आ रहा था उसके अंदर में पूरा। तो हाँ, तो हाँ गालियां पड़ी, मजा आया। और आपको कैसा लगा एडिट वगैरह, ठीक लगा या फिर वन टाइम वॉच था एक सेशन बिल्ड करने वाला था? मैं अपना बताता हूँ, मैं अपनी पसंद को ना डब्बे में बांध करके ऐसे फेंक चुका हूँ कि मुझे फर्क नहीं, मेरे को मैटर करता है व्यूज, ये मैं क्या करूं कि मैं कोई आर्टिस्टिक सिनेमा बनाने तो निकला नहीं हूं कि मैं जरा अपनी वॉइस दुनिया के सामने रखूं। मेरा अपना एक्सियम था वो क्या है कि क्या चीज काम करती है, अब मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता हूं, उसके अंदर में से देखता हूं कि क्या चीज काम कर रही है, उस पर डबल डाउन करता हूं, दिस इज माय सिंपलेस्ट प्रोसेस। तो मैं अपनी पसंद, क्योंकि पसंद अल्टीमेटली यार, अल्टीमेटली उसमें भले से तुम रेट्रोस्पेक्टिव रीजनिंग दे दो कि इसमें दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग्स दैट लाइक ये बहुत अच्छा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नोबडी नोज, और इसलिए आई हैव मेड पीस विद इट कि नोबडी नोज, तो मेरे को तो पता ही नहीं है, मतलब ये, और मुझे ये भी थोड़ा सा आइडिया है कि किसी को भी पता नहीं है, तो बस द ओनली थिंग विच इज देयर एज अ फैक्ट इज के वेरिएशन लेके आओ, ट्राई करो उसमें छोड़ करके, इंटरनेट पे छोड़ करके, उसमें से जो जो चीज काम कर रही है उसको अडॉप्ट करो और उसके वेरिएशंस क्रिएट करो, आगे बढ़ो। तो मेरे लिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है। व्यूज तो दोनों में जो बेसिकली आपने इनवाइट एक्सेप्ट करे जिंदु के, उन दोनों में तो 100K व्यूज हैं, और लोगों के और एंगेजमेंट है, पीपल वांट्स टू गिव देयर ओपिनियन ऑन दोस वीडियोस के भाई उनको क्या लग रहा है, या अंकित को कुछ तो बिल्कुल आपके फैंस हैं कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों ही कैटेगरी, मतलब अब मेरे आइडिया को खत्म करती हैं कि अगर तुम एक बाबा, एक रिलीजियस बाबा को छोड़ करके एक साइंस बाबा की भक्त अगर बन रहे हो तो यू आर नो डिफरेंट देन लाइक जो एग्जिस्टिंग बाबा, द अथॉरिटी ही तो खत्म कर रहा था साइंस, साइंस अकेली चीज क्या कर रहा है, वो अथॉरिटी खत्म कर रहा है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर किताब में कोई श्लोक में क्या लिखा है, ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप या तो पोप के पास जाओगे, पादरी के पास जाओगे, मौलाना के पास जाओगे, समझा दो ये इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन साइंस में आपको अगर दे दिया है क्वेश्चन ऑफ मोशन तो आपको न्यूटन के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भैया ये बता दो, तुम उस वो अथॉरिटी खत्म करके उसी पर्टिकुलर इक्वेशन से जापान वाले भी सैटेलाइट भेजेंगे, उसी पर्टिकुलर इक्वेशन से अमेरिका वाले भी, उसी से इसरो वाले भी, तो वो जो सेंट्रल अथॉरिटी को ही खत्म करने का जो सेंट्रल आइडिया था, अगर तुमने उसको हटा करके अगर मुझे उस पेडेस्टल पे रख दिया तो वी आर नो डिफरेंट, मतलब यू आर येट टू लाइक कवर द डिस्टेंस। सो एज आई वाज सेइंग कि जो लास्ट हमारा पॉडकास्ट था तो उसमें हमने क्या करा था कि हम मी एंड नितिन बोथ बिकम अ स्टूडेंट, और हम आराम से सुन रहे थे कि आप जो बोलते आ रहे थे, हमारे पास बेचारा इनपुट नहीं था, तो एक तरह से वी वर बिकम मोर ऑफ लाइक अ लिसनर, ठीक है, तो हमने सोचा कि अंकित को क्यों ना फंसाया जाए इस बार। नहीं फसाने नहीं, मतलब आई एम लाइक आई टोटली एडमिट, और मैं तो इसी पर्सपेक्टिव से आया था कि भाई मुझे फ्री में मिल जाएगा माल पानी, उन लोगों से तो चलते हैं, मजा आएगा, इसलिए मैंने आपको आज बीच में बैठा है ताकि यहाँ से नितिन बोलेगा यहाँ से मैं बोलूंगा आपको यहाँ बैठा के रखेंगे, ठीक है। तो चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं, मेरे माइंड में जो सबसे पहली चीज आई थी वो थी कि स्टार्ट विद द रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप विद द मनी, कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द मनी, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द चाइल्डहुड आल्सो कि कैसा था। वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस, वो जो इमोशनल एंगल आपने बताया ना कि इमोशंस एक्चुअली इज अ वेरी बिग फैक्टर जब किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर, तो उसको भी एक बार टच डाउन करेंगे। वही है मेरा तो मेनली वही है, मतलब ये तो मतलब कि अगर मेरा बहुत बुरा रिलेशनशिप था, अभी भी थोड़ा बहुत है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा
डायरेक्शन सही हुई है और उसकी भी अपनी अपनी कहानी। पहला कि मैं वो उसमें से मतलब कि वेरी मनी सेंट्रिक कि मनी सेंट्रिक एज इन कि मुझे अगर 5 रुपए आ गए तो मेरे को कहीं देने नहीं, ऐसे कलेजे से लगा करके इसको 5 रुपए को 5 रुपए बना करके रखना है और उससे ना तो मुझे आगे बढ़ना है, किसी को उधार किसी से उधार मांगना नहीं है और किसी को उधार देना भी नहीं। ये वाली जो मेंटेलिटी होती है कि भाई किसी को उधार देना नहीं और किसी से पैसे लेने भी नहीं और एक मिनिमम के अंदर में मेरे को ज्यादा पैसे चाहिए नहीं अपनी लाइफ को जीने के लिए, ये ऐसे ऐसे करके स्टोरी मैंने बता रखी थी। फिर धीरे 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 जो मुझे पता चला कि दिस इज ऑल कंडीशनिंग, ये सारी की सारी जो वैल्यू सिस्टम है ये दो तरीके के परिवार हैं, एक परिवार जो जहाँ पर नौकरी पेशा लोग हैं माँ बाप हैं, एक वो परिवार जहाँ पे बिजनेस पेशा परिवार हैं। तो ये दो परिवार हैं, तो मेरा परिवार था किससे नौकरी और उसके अंदर में भी ऐसी नौकरी कि पिताजी अब तो खैर सब इंस्पेक्टर हैं लेकिन जाहिर सी बात है अब रिटायरमेंट होने वाली है तो उतना भी खतरनाक नहीं, और एक ही व्यक्ति है कमाने वाला, 5 सदस्य 6 सदस्य हैं अगर दादी को मिला करके तो 6 सदस्यों में एक व्यक्ति अगर कमाने वाला है तो वो कितना ही मतलब वो इट इज लाइक कि अगर बटेगा तो फिर वो सब बच्चों को पढ़ाना भी है सब चीजें करनी, तो वो बहुत ही मीडियम क्लास की कैटेगरी में आ जाएगा। अब तो वो मुझे वहाँ से ये पता चला कि ये जो आइडिया है कहीं ना कहीं क्योंकि हम कुछ और नहीं है, हम अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हीं से बने हुए व्यक्ति हैं, जो देखते हैं जो बूझते हैं वही चीज़ें पैसिवली एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, और वही हुआ मेरे साथ भी शायद कि मेरे को भी यही आइडियाज़ आने लगे कि मेरे को ज़्यादा मतलब पहले तो मनी को मनी की तरह ना ट्रीट कर पाना, ये कि उसको पूरा का पूरा जिस तरीके से अंग्रेजी के साथ रिश्ता है ना काउ बेल्ट वालों का मतलब हिंदी पट्टी वालों का, कि उसको हमने कभी भाषा माना ही नहीं, उसको हमने हमेशा स्टेटस का सिंबल माना, और जब तक कोई व्यक्ति किसी भाषा को ये स्टेटस का सिंबल मानता रहेगा तब तक तो वो उस भाषा को सीख नहीं सकता क्योंकि उसने उसको स्टेटस सिंबल माना हुआ। उसी तरीके से पैसे के साथ भी मुझे रिलेशनशिप लगता है कि पैसे के साथ भी जब तक तुम उसको पैसा एज अ नहीं मानोगे, उसको स्टेटस या उसको मतलब पैसे से ज्यादा बढ़कर के अगर वो कोई चीज एग्जिस्ट करता है तो वो ना तो बढ़ेगा मतलब तुमको ड्राइव करेगा तुमको तुम्हारी गिरेबान पकड़ करके कि मैं इसमें खर्चा करूं कि ना करूं, लोगों को जज करना पैसे को लेकर के। पहले बहुत मैं जज करता था कि यार बताओ पैसा है, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के घूम रहा है, इतनी बड़ी शादी करा दी या इसका ये करा दिया, और वो बहुत ही ज्यादा कंडीशनड वे था पैसे को लेकर के। इतना भी था कि गर्लफ्रेंड से लेकर के लड़ाई होती थी क्योंकि मैं इतना तक हिसाब रखता था कि ये 250 रुपए की कॉपी में लिटरली कॉपी में 250 रुपए का ये रहा, 15 रुपए की ये चीज रही, इसकी ये रही, इतना ज्यादा उस चीज पर ध्यान देना। क्योंकि अगर तुम मतलब सोचो ना कि अगर तुम गए हो कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर इंजॉय करने के लिए मजे लेने के लिए और तुम वहां देखे जा रहे हो बार बार प्राइस की, अच्छा अच्छा ये खरीदेंगे तो इतने रुपए का बिल बनेगा और इसका इतने रुपए का बिल बनेगा, तो क्या चीज ली जाए क्या चीज, तो फिर निकला क्यों घर से, क्योंकि तुमने जो इंजॉयमेंट का जो आइडिया था वही तूने खत्म कर दिया अगर, और वहां जाकर के अगर तेरे को वहां पे जाकर के ये सर में तकलीफ हो रही है कि ये चीजें, अरे 1000 रुपए का तो पिज्जा थोड़ी आता है, क्या पागल बना, ये तो लूट मचा रखी, तो क्यों निकल रहा है घर से, क्या ना कि अगर तेरे को, लेकिन वही है ना कि वो मेरे को पता था कि द्वंद्व में था मैं अभी तक, अब वो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा चुकी है, अब मेरे को इतना तकलीफ नहीं होती है चीजों से, और वो कह लो शायद कि मैं अब कंपैरेटिवली थोड़ी सी मेरे हिसाब से, क्योंकि सबका एक अलग अलग होता है कि यहाँ इतना मेरे पास अगर सेविंग्स हो जाए तो या इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो जाए तो मैं अपने आप को कंपैरेटिवली सेफ मानूंगा। मेरे को ये भी नहीं पता, हाँ तो मेरे को ये भी नहीं पता है कि शायद हो सकता है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मार्कर ही इतना कम है मेरे हिसाब से कि हाँ मेरे पास अगर 40-50 लाख रुपए हैं तो मेरे हिसाब से ठीक है भाई, ठीक है ये मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं इस तरीके से, तो मैं कंपैरेटिवली सेफ स्पेस में हूँ। तो अगर मेरे पास जो महीने के महीने भी आ रहे हैं उसमें से मोटा इतना खर्चा हो जाता है, इतना सेव हो जाता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं, हाँ प्लीज अंकित, बट आई रियली वांट टू नो वन थिंग कि आई वांट टू गो अ लिटिल डीपर, कि जब आपने बोला कि देयर वाज दिस पॉइंट जब आप इस चीज को इतना सोचा करते, बट उसके पीछे रीजन क्या था, डू यू हैव एनी लाइक मेमोरी ऑफ टू बाय, रिस्पेक्टिव रीजनिंग है बस मेरे पास के यही बोलने के, मेरे को लगता था मैं बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे, मतलब कि अगर मैं इनसिक्योरिटी वाला जो आइडिया है ना कि विश्वास ना होना खुद पर कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास गलती से थोड़ा सा पैसा आ गया है किसी कारणवश कि मैं सही जगह पे खड़ा था सही टाइम पे खड़ा था और मुझे पता है कि आई डोंट डिजर्व इट, तो मैं इसको कैसे भी करके ना फटाफट से 99% सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी औकात है नहीं इतनी कि भविष्य में शायद मुझे इतना पैसा मिलेगा नहीं, तो मैं इसको अभी किसी तरीके से इन्वेस्ट करके रख लेता हूँ।
the idea of losing too much ke bhaiya ki main kisi business mein venture mein invest karna nahi hit karta hi nahi tha ki ya ki yaar yaar pagal hai kya jua hai matlab jab tak nahi kiya tha stock market shooting nahi kiya tha usse pehle to kyunki ye bhi condition ye upar wale se bani banayi mili thi ki pagal hai kya acha unhone kyunki har kisi ke khandan mein ek particular mausa phupha hota hi hai jisne business mein ya fir stock market mein paisa gawaya hota hai aur us ek negative incidents ki wajah se wo pure khandan ke andar mein ye information penetrate कर जाती है और तुमको भी वो इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जी स्टॉक मार्केट है जुआ, उसके अंदर में जो बंदे जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं वो जुआरी होते हैं, तो वो भी वो पर्टिकुलर आइडिया होना इस पर्टिकुलर, तो इनसिक्योरिटी उसके सेंटर में था, अपने आप पे विश्वास ना होना जो कि अभी भी नहीं है लेकिन बट समहाउ लेकिन वो ये ना कि मैंने वो मेरे हिसाब से मैंने वो थ्रेशोल्ड छू दिया जिस पे मुझे लगता है कि हाँ हम नहीं भी करेंगे तो चल ठीक है, मतलब कि क्या ही खा लूंगा मैं महीने के अंदर में 20,000 रुपए से ज्यादा थोड़ी खा लूंगा, 20,000 रुपए में चीजें हो जाएंगी अगर कुछ भी नहीं किया मैंने तो, इतने तो आ जाएंगे मेरे डिविडेंड या उससे। हाँ नितिन तो कुछ बोल रहा है, नेक्स्ट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, वेयर डिड यू फर्स्ट अर्न योर मनी अंकित? सबसे पहले इंटरनेट पे पढ़ा करके, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा करके। ऑल हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू फॉर गेटिंग दैट मनी इन योर हैंड एंड बाय योरसेल्फ? नहीं ये बिल्कुल भी उसका कोई मतलब स्पेसिफिक स्पेशल मोमेंट था ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो मुझे याद होता, अगर मुझे याद ही नहीं है तो इसका मतलब है वो इट वाज सच अ नॉर्मल प्रोसेस कि चला गया। यहाँ पर मैं एक चीज को हाईलाइट करूंगा, मतलब तरुण भी शायद उससे अग्री करेगा, अंकित यहाँ पे दो ओपिनियन होते हैं कि एक ओपिनियन जो आपने बोला कि द फर्स्ट टाइम यू अर्न योर मनी यू वांट टू सेव इट बिकॉज यू थिंक यू विल बी लूजिंग इट, एंड द अदर थिंग जो तरुण और मैंने शायद फील करी, द मोमेंट वी स्टार्टेड अर्निंग वी स्टार्टेड स्पेंडिंग इट बिकॉज वी थॉट दैट दिस इज द टाइम, अब हमने कमाना शुरू कर दिया, पहले वो बहुत थोड़ा था, इट वाज आर्टिकलशिप स्टाइपेंड, कुछ बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू आती थी, लेकिन एक वो ट्रांजिशन आया कि भाई अच्छा, स्टाइपेंड को अगर कर रहे तो मास्टर्स में आना शुरू हो गया था, मास्टर्स में 10,000 रुपए मिलते महीने। हाँ, तो ये दो डिफरेंट ओपिनियन है, अब ये दो डिफरेंट इमोशंस भी कह लो, हम भी उन्हीं का। हाँ मैं इसको और कंटिन्यू और थोड़ा डीपर करता हूँ जो नितिन कह रहा है, बिल्कुल ठीक चीज़, क्योंकि मेरा नितिन का हम दोनों सेम फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, एक दूसरे को अराउंड 10-12 साल से जानते भी और फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अगर मैं बताऊँ तो हम एक दूसरे को 11th क्लास में मिले थे, विच इज़ लाइक अ वेरी यंग एज फॉर अस टू यू नो मीट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, तो मैं अब मेरा भी वो था, मैंने इस बारे में बात भी हुई कई बार, तो बताता हूँ क्या था कि स्टार्टिंग से जब घर के अंदर देखा कि हाँ भाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, ये सब चीज़ें थे, जो फादर एक ही सिंगल अर्नर है, ये सब चीज़ें और डिफिकल्टी देखी थी, तो एक वो था ना कि हाँ जी सेविंग मतलब नौकरी पेशा वाले थे या वो वाले थे, क्या नाम है, फादर नौकरी पेशा स्टार्टिंग से, नौकरी पेशा, एक ही इंसान घर में कमाने वाला और उसी के ऊपर वो कहने के वन मैन आर्मी घर में बन के बैठा हुआ है और वो वही कमा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है और जितने नीड्स, और वैसे भी हमारे जो पेरेंट्स जो लोगों की जनरेशन थी वो ये थी कि अगर मेरे को घर चलाने के लिए 10 रुपए चाहिए तो मुझे 11 रुपए मिल जाएंगे तो मैं खुश हूँ, कि वो 1 रुपए मुझे नहीं चाहिए, 20 मुझे नहीं चाहिए, 30, ठीक है, तो उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे को हमेशा से जो दोस्त थे वो अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, अच्छा सब कुछ कर रहे थे, और अपनी स्कूल प्राइवेट होगा, नहीं मेरा गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट में कैसे खा रहे थे, गवर्नमेंट ट्यूशन में हम जाते थे तो वहां देखते रहे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल को हमने ऐसा सेट की स्कूल कभी अच्छा नहीं था तो स्कूल को भी महत्व दिया ही नहीं कभी, तो हमने जो नॉलेज ली सारी ट्यूशन से ली जितनी भी थी, तो वहां पर अच्छा कर रहे थे, तो वहां पर जब देखा कि और पता नहीं कि कहां से खुददारी आ गई थी बचपन में अननेसेसरी कि भाई घर से पैसे नहीं लेने, अननेसेसरी पता नहीं क्यों, 11th में आ गई थी, हां ये 11th में या 12th में आती कि घर से बस लिमिटेड उतनी तब तक लिए भी हैं, ऐसा नहीं है लिए भी हैं, प्लीज रिमेंबर दिस वीडियो विल ऑलवेज देयर ऑन इंटरनेट, हां जैसे उनके लिए, जैसे पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए कभी, उसके लिए नहीं कि भाई आज मूवी देखने जाना है, आज ये करने जाना है, वो करने जाना, उन सब के लिए कभी नहीं, तो जैसे ही हाथ में वो इतने कहावत है ना कि एक भूखे इंसान को कभी भी मॉल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके हाथ में जो लगेगा वो खाता जाएगा, ठीक है, तो वही हमारे साथ हुआ कि जैसे ही हाथ में मनी आई तो हमको लगा कि ये तो आज तक बचपन के जितने शौक नहीं पूरे, आप तो पूरा करना चालू कर दो, लेकिन कहां से 11th क्लास में मनी हाथ में कैसे आई, 2000 अवेलेबल टू स्पेंड नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट क्यों, क्योंकि आज तक तो किया ही नहीं ना स्पेंड, वो एक इमोशनल कॉल हमारी रही है,
और मैं आपको एक कॉन्ट्रेरी बताऊं उसमें जो बिल्कुल जो हमारे एक फ्रेंड था आई विल नॉट टेक हिज नेम तो ही वाज आल्सो ऑफ द सेम पोजीशन ठीक है उसको भी उतना स्टाइपेंड मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है बट ही वाज ऑलवेज केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पर उसको स्टार्टिंग से एक पॉकेट मनी मिली है बचपन से लाइक एक अच्छी 5000 10000 रुपीस तो ही इज ऑलवेज हैव अ गुड लाइक 50 60000 काइंड ऑफ यस उसके उसके अकाउंट में हमेशा 70000 रुपए 50000 रुपए पड़े हुए हैं तो ही ऑलवेज मैनेजेस स्टाइपेंड लाइक वेरी कूल कि अच्छा मेरे को स्टाइपेंड मिल गई घर से 10000 मिल गए मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया ये चीज मैं एक चीज मतलब इसमें वो करूंगा कि ये चीज मैं आगे ध्यान जरूर रखूंगा कि कल को नेक्स्ट जनरेशन जो भी होगी चाहे वो मेरे बच्चे हो चाहे मेरे किसी भी उनके हो उनको शुरू से एक बेसिक मंथली पॉकेट मनी देना स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से बिकॉज फ्रॉम द वेरी इनिशियल डेज यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप उसको 100 रुपए दो बोलो एक महीना रखना है तुझे अब हो सकता है शुरू के 2-3 महीने वो पहले दूसरे दिन ही खत्म कर दे लेकिन एट द 4th या 5th month पे वो 100 रुपए महीना निकालना शुरू कर देगा बिकॉज ही नोज के यही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी उसके पास है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत शुरू से आ जानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है जो हमें नहीं थी तो बिल्कुल नहीं थी मुझे अब जाके थोड़े बहुत समझ आने लगी जाके तो वरना पहले तो पैसे उड़ाए एक अंकित का डिसीजन था टू सेव एवरीथिंग एक हमारा डिसीजन था टू स्पेंड एवरीथिंग दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन एक कंजर्वेटिव अप्रोच है कि उसको हमेशा से थोड़ा हाथ पीछे लेके चला एक ही वाली अप्रोच थी कि अग्रेसिव अप्रोच थी हाँ लेकिन मैं ये बिल्कुल सही बोला मेरे ख्याल से नितिन भाई ने कि ये दोनों ही अप्रोच तुम्हें गड्ढे में लेके जाएंगे कि अगर तुम मतलब कि इतने ज्यादा डरे बैठे हो कि तुम घर से बाहर निकल रहे हो कि पैसा खर्च हो जाएगा तुम जिंदा क्यों फिर और ये वाली अप्रोच भी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर के जाएगी कि शुरुआत के 4 दिन तो खर्च कर दिए फिर 5वें दिन से पार्ले जी खा रहे दोनों बेकार है वो बैलेंस बहुत कम एज से आपको आ जाना चाहिए मुझे लगता है कि और आगे आने वाली जनरेशन को हम ये सिखा सकते हैं अपनी फैमिली में बेसिकली टू मैनेज फाइनेंसेस नॉट एवरीथिंग इज अवेलेबल टू स्पेंड नॉट एवरीथिंग इज अवेलेबल टू सेव उसको रेंट पे भी रहकर आराम से रह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ चल जाता है लेकिन आई वॉन्ट टू बाई इट मेरा वो जो इमोशनल अटैचमेंट है सो इन योर केस अंकित डू यू हैव दैट इमोशनल अटैचमेंट विद द मनी दैट यू वांट टू होल्ड एज मेरे को किसी भी चीज से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है फिजिकल अगर की मतलब वो तो मैं क्या ही बोलूं कि अ पर्सन हु इज रनिंग आफ्टर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट जैसी चीजों के पीछे भाग रहा है वो भी उतना ही करप्ट है जितना कि कोई थार के लिए भाग रहा है मेरे लिए दोनों लोग बराबर है मेरे लिए मतलब कि अक्सर लोग उन लोगों को थोड़ा मतलब ऐसे लोग जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजों के पीछे भागते हैं वो लोग दिल टेंड टू लुक डाउन अपॉन ऑन दोस पीपल जो कि मटेरियलिज्म के पीछे अगर भाग रहे हैं मेरे लिए दोनों लोग एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी पे आते हैं अब ये इसको मैंने कोई इजाद नहीं किया है ये कोई मेरे इट इज व्हाट इट इज मेरे को लिटरली किसी भी चीज से कोई वो नहीं है अटैचमेंट नहीं है मैं मतलब क्या आईसर घुसा था तब भी मेरे कंधे पे एक बैग था मैं आईसर से निकला हूँ मेरे एक कंधे पे बैग था मतलब कि मेरे पास फिजिकलिटी से मेरा है नहीं मतलब कि मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि मेरे पास कहीं उसके लिए इससे मैं कोई अच्छा इंसान हो जाता हूँ बुरा इंसान कुछ नहीं उसका लेना देना कुछ नहीं आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्लाई एनीथिंग नहीं इट इज व्हाट इट इज कि मेरा नहीं है ये फिजिकल चीजों से यहाँ तक कि ये जो पूरा जो शेल्व्स हैं किताबों का मेरे इसमें से मेरी भी हैं और लेकिन मैं हमेशा आईपैड पे या फिर अपने मोबाइल पे पढ़ना पसंद करता हूँ हमेशा से ही कि मेरे को ज्यादा भसड़ चाहिए नहीं वो मेरे दोस्त है क्या नाम है तो उसका PhD किया वो फिजिक्स में उसका पोस्ट डॉक ताइवान में था तो हम लोग सेम किताबें पढ़ते थे हमारा मतलब कि जो ओवरलैपिंग है वो बहुत सेम है लेकिन ही इज अ फ्रीक जो फिजिकलिटी को लेकर के तो उसको बुक्स बड़ी पसंद थी वो बहुत ऑर्डर करता था तो उसने बोला कि मैं अपने घर पे नहीं रखना चाहता आई डोंट नो कि क्या होगा कैसे होगा तो लाइक विल बाय अ शेल्फ अच्छे से और वो तू अपने चाहे बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल करें मैं कहा विन विन सिचुएशन है भैया तू अपना जब ताइवान वाइब अभी तो मेरे ख्याल से 4-5 साल भी वापस नहीं आने का तो लेकिन विन विन सिचुएशन है तो वो रख लेते हैं तो ये भी मतलब मेरे इट इज व्हाट इट इज कि मेरे को कभी भी कोई फिजिकलिटी फिजिकल चीजों से कोई लगाव रहे मुझे अभी जैसे आपने बोला था कि पीछे शेल्फ पड़ा है तो मुझे लगा ये ग्रीन स्क्रीन है कुछ नहीं है ये सब कुछ झूठा है कोई किताब किताबें पड़ेगी ऐसे कुछ करोगे अच्छा बड़ा बड़ा हजार से ज्यादा किताबें इस कमरे में उस कमरे में दीवान में बहुत तो दिख ही रही इतने पूरा डिजाइन अच्छा सा लग रहा है नितिन तू बता तेरा क्या कोई है फिजिकल अटैचमेंट इमोशनल वैल्यू हां कुछ चीजों को लेकर होती है इमोशनल वैल्यू उस केस में आपका फाइनेंशियल डिसीजन आई थिंक गलत भी हो जाता है
मतलब बाइंग अ हाउस एट द एज ऑफ 28 29 30 विल ऑलवेज मेक यू एक अर्बन क्लासिक अर्बन पुअर एंड यू विल लीड योर लाइफ ऑलवेज ऑन क्रेडिट कार्ड. एक थोड़ा वो हो जाता है वो बेसिकली, क्योंकि उस एज में अनलेस क्या बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चे हो, बहुत एक्सेल कर लिया अपने लाइफ में और बहुत अच्छा कमा रहे हो, जो डिफरेंट सिनेरियो. बट अगर आप नॉर्मल इंसान हो और 28 29 30 साल की उम्र में अगर आपने घर ले लिया है तो वो आपको एक अर्बन पुअर बना देगा बेसिकली. बट स्टिल आप लेना चाहते हो क्योंकि आपको वो शुरू जो है कि घर की एक इमोशनल वैल्यू है, घर एक एसेट है. अब एसेट जो हमने एसेट पढ़ा है, एसेट इज ऑलवेज अ रेवेन्यू जनरेटिंग थिंग. योर होम इज नॉट एक्चुअली जनरेटिंग एनी रेवेन्यू टू यू, इट इज जस्ट अ प्लेस टू स्टे. बट स्टिल हम वो लेना चाहते हैं हमें, क्योंकि वो एक इमोशनल वैल्यू है. मतलब इसमें वही बात है कि सही गलत वाला कुछ नहीं है, हर किसी को एक सेफ्टी और किसी को एक इमोशनल वैल्यू चाहिए, इसलिए लेते हैं. शायद मैं भी वहीं रह रहा होता तो अब तक मैं भी पूरा हाथ पैर मार के ट्राई करता इंडिया में लेने का घर. और बट मुझे लगता है कि इमोशंस का एक बहुत बड़ा है, मतलब उसको लेकर, फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर. मैं एक चीज में अंकित आपको पूछना चाहूंगा, अंकित यू वांट टू लीड दिस पॉडकास्ट दिस वे ओनली, क्योंकि आप मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को बोलने में या कुछ. नहीं 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 नहीं, मतलब किस चीज को लेकर भी? हां ना 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 ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब किस वे में रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि किसी और तरीके से आप फाइनेंस पॉडकास्ट को ले जाना चाहते थे और हम इधर आ गए, ऐसा तो कुछ नहीं. मैं तो सोच ही नहीं आता, वो जो बात चलती बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी. और मेरे ख्याल से वही सब, मतलब अगर मैं खुद इमर्ज्ड हूँ कॉन्वर्सेशन में तो इस बात की संभावना बनती है कि शायद व्यूअर भी इमर्स हो जाए. लेकिन अगर मैं ही नहीं हूँ तो फिर संभावना कम है, देयर इज नो रूल, तो इट इज एज सिंपल एज दैट. सुनने को मिल पाएंगे जो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर फील्ड से वाबस्ता है. करेक्ट. सो अभी अभी मैं नितिन की बात को थोड़ा और कंटिन्यू करता हूँ, जो इमोशनल वाली बात को लेके, पता क्या वो जो है ना कि एक एसेट ओन करना, ये सब करना, वो ग्लोरीफाई करा गया स्टार्टिंग से कि एक ऐसा एक आइडियल सिचुएशन बना दी. एक लड़का है, उसने 28 साल की उम्र में सब कुछ कर लिया, शादी कर ली, घर ले लिया और उसके बाद वो सब कुछ उसने एकदम हंकी डोरी इसने सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में. बट उससे बैक ऑफ द माइंड क्या स्ट्रगल है, क्या है उसने, कितने क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं उसके, क्या चल रहा है वो उसके बारे में आज तक किसी ने क्लैरिफाई करा नहीं. और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हु आर गेटिंग सक्सेस एट द एज ऑफ 25 26 27. I have seen most of the people of my peer of 30 ya 35 ke andar bhi aram struggle kar rahe hain apni cheezon ko leke. To there is no fixed age ki aap yahi tak ek aapko set karke, jo hamari society ne ki 22 mein apna college complete karo, 25 mein apni job secure karo, 27 mein shaadi, 30 mein bacche and aapki zindagi safal ho gayi. To lekin ideal situation aisi nahi hai, actual mein aisa nahi hai, wo bahut hi kuch aur chal raha hai. To wahi par like log aage jata barbaad hote jab wo loans uthana chalu karte hain और दूसरों की. अब जैसे वो इंस्टाग्राम पर अगर आप देखो तो वो क्या हुआ ना, क्या नाम आपका, ट्रैवलिंग का जो आजकल सबको चढ़ा हुआ है कि जाके रील्स क्रिएट करनी है कि ट्रैवल मेरा ट्रिप अच्छा होना हो, एटलीस्ट आई विल मेक अ रील आउट ऑफ इट. ठीक है. तो और वो आपको फोर्स करती है कि आपके लोन आपका क्रेडिट कार्ड पुश करने में कि नहीं एक ट्रिप मार रहे थे ऐसा कर लेते. अगर आप इफ यू टॉक अबाउट अ फाइनेंशियल डिसीजन, तो इन्वेस्टिंग 40,000 एवरी मंथ इन SIP वुड मेक मोर देन पेइंग 40,000 का EMI ऑफ अ हाउस. लेकिन आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड वन होम टू स्टे, आप उसको बेच सकते नहीं. तो 40,000 एवरी टाइम पेइंग EMI एंड 40,000 सेविंग इन SIP, फाइनेंशियल डिसीजन शायद दूसरा वाला बेटर होगा शायद. मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब हो सकता है नीचे आके लोग मुझे गाली दे लेकिन नहीं नहीं, मतलब कि वो उसमें है जैसे कि मैं आई कैन लाइक टेल यू कि नॉट एवरी प्लेस की हर जगह पर जहाँ पे तुमने घर खरीदा है वो तुम बहुत ही खतरनाक तरीके से बेचोगे. हम जानते हैं कि गुड़गांव में जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर में जो पर्टिकुलर सो कॉल्ड, अगर मैं यहाँ पर जारगन इस्तेमाल कर सकता हूँ, रेंटल यील्ड जिस तरीके से निकाली जाती है, तो या टीयर टू अगर भोपाल में या फिर तुम इंदौर में अगर ऐसी जगह पर एक घर लेते हो या फिर चले जाते हो कि ग्रेटर नोएडा के पीछे की तरफ थोड़ा सा वहां पर ले लेते हैं, तो घर की पोजिशन से थोड़ा सा कि तुम्हारे 10-15 साल के बाद में क्या सिचुएशन होगी. जैसे कि मैं इस घर का भी देखता हूँ, तो इस घर को जहाँ तक मुझे याद है कि होगा करीब मैं 10वीं में होऊंगा,
और मैं जब हिसाब लगा रहा था तो हिसाब लगा लगो कि मैंने बैठा और मैंने डिसाइड लगाया और फिर मैंने उसमें वो चीजें भी ऐड की कि घर जो बना उसके जो हल्का फुल्का टूटे टूटना फूटना हाउस टैक्स वगैरह लगा करके, तो मुझे पता चला कि 7 से 8% आ रहा है इसका एप्रिशिएशन जो रेट आ रहा है वो 7 से 8% का आ रहा है लगभग। और लेकिन अगर आप उसको केवल और केवल एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे तो ऐसे दिमाग फटता है, अच्छा अच्छा 3 गुना हो गया 4 गुना हो गया। यू आर नॉट लुकिंग एट द 20 साल 25 साल के अंदर में वो 3-4 गुना हुआ है और उसके अंदर में तुमको कैलकुलेट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि वो 7 और 8% से ही जो है वो एप्रिशिएट हुआ है ज्यादा से ज्यादा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के होंगे जो कि कुछ अगले ही 15-20% भी दे करके चले गए होंगे, नो डाउट, लेकिन ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जिन्होंने 10 साल पहले खरीदा था और अपनी करंट वैल्यू के बराबर सा ही बेचा है ऑलमोस्ट, और अपनी करंट वैल्यू के बराबर सा ही 10-15 साल बाद बेचना इज लाइक ऑल तुम्हारा नीचे ही बहुत ज्यादा आ चुका है वो पर्टिकुलर वैल्यू। और ये चीज उसके लिए भी ट्रू है, क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में अगर तुम भले से इंडेक्स फंड में भी अगर किसी व्यक्ति को बोल दो कि आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दे तो मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपना लाइक आई एम पुटिंग माय नेक आउट कि फिर भी संभावना इसकी ज्यादा है कि स्टॉक या बेसिक उसमें जाकर के तुम्हारे कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएंगे, इस बात की कंपैरेटिवली थोड़ी संभावना उधर ज्यादा नजर आती है, लेकिन उसका मैं वैलिड रीजन मानता हूँ ना। अब इंडिया में लिबरलाइजेशन 1991 में आया, तुम्हारे मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा जो है वो 80 के दशक में, अगर हम 90s किड्स हैं तो वो 80 के दशक के किड हैं। 80 के दशक के किड ने अपने घर में क्या सिचुएशन देखी है कि भैया मोबाइल, अगर मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करता, फोन का कनेक्शन सही 7 साल लगेंगे, गैस का कनेक्शन चाहिए 2 साल लगेंगे, तुमको गाड़ी लेके आनी है, तुमको पैसा तुम फेंको किसी के मुंह पे तब भी तुमको 4-4 साल बाद गाड़ी जो है वो मिलने की संभावना पैदा होती है, तुम्हारे अगर सरकारी नौकरी है और किसी के जरिए कनेक्शन अगर अवेलेबल है तो तुमको जल्दी चीजें मिल जाती हैं, हेंस द नॉस्टैल्जिया और लाइक जो सरकारी नौकरी को पेडेस्टल पे रखने की जो आदत है उनकी वो वहां से आ रही है। तो ये अभी 1900 जो लोग अभी पैदा हुए हैं 1996 के बाद में, वो लोग इस आइडिया को जो नहीं समझ सकते कि भैया 91 से पहले लिबरलाइजेशन ही नहीं हुआ था, तुम जिन चीजों को ग्रांटेड लेते हो ना, ये जो चिप तुमने गए मार्केट में फोन खरीदा 15 मिनट के अंदर में चिप एक्टिवेट करा ली, तुम क्या नाम है उबर मंगा ली एक क्लिक करके तुम फ्लाइट ले रहे हो, गैस सिलेंडर में तो गायब हो गए तुम्हारे घर के अंदर में पाइपलाइंस लगी हुई है, तो उनके जो डर है उनकी जो ये जो आइडिया है कि चीजों को बचा करके रखो कि इन्वेस्टिंग की बजाय सेविंग, भाई तुमको आज की तारीख में भी बोल दूं ना कि स्टॉक मार्केट में जाकर के कागज की फॉर्म में तुम्हें स्टॉक खरीद के लेकर के आने, तुम नहीं जाओगे खरीदने, तुम खरीदते हो क्योंकि तुम्हारी एप्लीकेशन के ऊपर में इतना बेहतरीन सिस्टम इतना प्यारा कर दिया है कि तुमको अगर कागज की फॉर्म में अगर जाना पड़ता लाइन में लगने के लिए कि जाओ स्टॉक खरीद के लेकर के आओ और बेचना भी है तो भी वो कागज की फॉर्म में बिकेगा, तो तुम शायद अभी भी नहीं कर रहे होते वो लोग। That is true. But मैं एक और बताता हूँ, मैं थोड़ी चीज़ को और कंटिन्यू करता हूँ कि रियल एस्टेट हैज नेवर बीन समथिंग दैट ऑलवेज लाइक यू नो अट्रैक्टेड मी, और उसके पीछे अपना रीजन देता हूँ कि रियल एस्टेट की मुझे कभी भी अट्रैक्टिव क्यों लगा, क्योंकि मैं उसको हमेशा ऐसा इस सेंस में देखता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, कि मेरे पास आज एक घर है जिसको मैं रेंट पे चढ़ा रखा है, जो भी कर रखा है, आज मान लीजिए मुझे कहीं से 50 लाख रुपए की और 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मैं उस घर को आधा नहीं बेच सकता हूँ, right? I have to either sell it full or I can't sell it, or I have to take a loan like out of it. But in terms of, for example, if I have invested in the mutual funds or the stock, मैं एक portion अपना आराम से वहाँ से निकल के उसको आराम से हटा सकता हूँ अपने हिसाब से, और जहाँ मुझे लगेगा वो जा रहा है नीचे उसको आराम से चेंज करके कहीं और डाल सकता हूँ, बट रियल एस्टेट के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जी इसके अंदर में एक प्रॉब्लम भी है ना, इसके अंदर में प्रॉब्लम इस नजरिए से है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अनदर पर्सपेक्टिव कि ये मेरी प्रॉब्लम भी थी, तो मेरे को तो जब मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया था ना जीरोधा में, तो क्या करा था मैंने कि अपना केवाईसी नहीं करवाया, तो केवाईसी अगर तुम नहीं भी करवाते हो तो वो इन्वेस्ट करने देते हैं, बेचने नहीं देंगे शुरुआत में, ये तो मैं सोच के तो बढ़िया है अब मैं केवाईसी कराऊंगा नहीं, मैं ऐसी ही स्टॉक चूज करूंगा जिसमें मैं लॉन्ग टर्म तो मैं इन्वेस्ट रख सकूं, मेरे पास एक मेंटल प्रेशर आ गया कि मैं ऐरे गैरे स्टॉक्स में डालूंगा नहीं, एक ऐसे स्टॉक में डालूंगा विच आई एम थिंकिंग ऑफ होल्डिंग फॉर 10-12 इयर्स कम से कम, तो मेरे पास ये प्रेशर भी रहेगा, चाह करके भी मैं बेच पाऊंगा नहीं तो क्या नाम है, अगर मैं बेच नहीं पाऊंगा तो फिर वो इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो मैं बोला मैं केवाईसी नहीं करवाता, मैंने नहीं करवाई, फोन आने शुरू हुए, फिर उन्होंने मेरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया कि हम तुम्हें खरीदने भी नहीं देंगे, तुम पहले केवाईसी कराओ अपना और उसके बाद तुमको कुछ इसके अंदर में हम करने देंगे तो करने देंगे। लेकिन ये वाली पॉइंट में मैं टोटली एग्री करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ में ये भी कैवियट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये लिबर्टी दी जाती है ना किसी को कि तुम जल्दी जल्दी से खरीद सकते हो और बेच सकते हो, तो वो एक लिबर्टी भी देता है बंदे को कि जो जिसका काबू नहीं है अपने जहन पे उतना अच्छे तरीके से, वो बेचारा उसकी फटी रहती है वो न्यूज़पेपर देख करके न्यूज़ देख करके
क्या, अच्छा ऊपर चला गया, अच्छा आज इतना मेरा ऊपर चला गया, अरे ये तो यार अब तो इतना ऊपर चला गया, अब नीचे जाएगा ये तो पक्का, अगले एक हफ्ते में नीचे जाएगा, इसको भेज देता हूँ, इसको भेज देता हूँ, ये इसमें कूड़ना, क्योंकि घर खरीद लिया ना फिर तुम खत्म, तुम बैठ गए हो कि चार दिन में तो बिकेगा नहीं और छोटी मोटी चीज पे तुम उठोगे भी नहीं इसको बेचने के लिए, तो एक ये पर्सपेक्टिव भी मतलब मेरे ख्याल से उसमें एसेट जितना लिक्विड होगा ना उतना आप वोलेटाइल हो जाओगे कि कितना आप, अब घर बेचना इज नॉट अ इजी डिसीजन, और फोन में पड़े हुए स्टॉक्स बेचना वुड बी एन इजी डिसीजन कि आप कैसे ले सकते हो, ऑल्दो चलो तरुण और मैं तो एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से फिर भी आते हैं सो कॉल्ड, लेकिन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे मिली या इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो बहुत इजी हो गया, देयर आर पीपल जो म्यूचुअल फंड्स बस बताए जा रहे हैं कि गुरु, गुरु बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, गुरु बैठे हैं आपके सारे के सारे, भले से चाहे कितना भी अलग अलग तरीके का हुआ हो, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी जनरेशन में ही फाइनेंशियल लिटरेसी का स्तर बढ़ा है, ऐसा मुझे लगता है, चाहे उसका गलत लग रहा हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरा अवेलेबिलिटी बायस हो कि मेरे तरफ के मेरे जानकार कुछ ऐसे हैं या मैंने खुद ने देख लिया वो, तो वो चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, वो शुरुआत चाहे जो शुरुआत में अच्छे से मुझे याद है प्रांजल कामरा वाज द वेरी फर्स्ट गाय जिसको एज अ व्यूअर मैंने देखना शुरू किया फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ही वाज आल्सो द पायनियर एज वेल, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले शुरुआत भी मेरे ख्याल से प्रांजल कामरा ने किया था, और उसके बाद फिर आए मतलब झड़ी लगी, और हो सकता है कि उनसे पहले भी हूँ, फिर चाहे रचना राणा डे हो, चाहे अपने अवंगवारी को हो, चाहे मैं शरण हो, चाहे वो, फिर तो पूरा का पूरा फिल्म इन्फ्लुएंसर का एक पूरा सेगमेंट है, तो पूरा प्रॉपर हम ट्राई कर रहे हैं एक, माय आई वाज थिंकिंग वन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नीरज अरोड़ा, इफ यू एवर सीन हिज वीडियोस और एनीथिंग, नीरज अरोड़ा, तो हम उनको ट्राई कर रहे हैं पॉडकास्ट पे लाने के लिए, और आई एम थिंकिंग तरुण जैसे मेरे माइंड को क्लिक किया कि उस दिन अगर अंकित भी हो सच में सही हो जाएगा कि वो मैं बिकॉज़ आई विल टेल यू द रीजन बिकॉज़ नीरज अरोड़ा इज लाइक इज अ टीचर इज आल्सो उन्होंने स्टूडेंट बनाते हैं आई हैव सीन हां तो वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं यानी स्टार्टिंग इज उनको पोर्टफोलियो की काफी अच्छी नॉलेज भी है एंड इज आल्सो काइंड ऑफ सिमिलर माइंडसेट की तरह आते हैं हमारी भी तरह वो भी कि ऐसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना है वो भी वही है कि आपने पहले हाथ जलाया देन बस के रियलाइज करा कि व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू तो वो सेम हमारा बिल्कुल पैरामीटर सेम बैठता तो दैट इज द रीजन वी थॉट ऑफ हैविंग इन द पॉडकास्ट बट टाइमिंग थोड़ा इशू हो पा रहा है इस टाइम पे कि वो टाइमिंग नहीं बैठ पा रहा अदरवाइज वी विल लव टू हैव यू एज वेल व्हेन ही इज कमिंग डायरेक्ट रेमेडी भी तो नहीं दी जा सकती ना कि तुम सब बंदे ये करो क्योंकि इतना ज्यादा पर्सनलाइज अब मैं हूँ अब मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरे पिताजी क्योंकि दिल्ली पुलिस में है तो उनके पास CGHS है तो मेरी माँ कवर्ड है मेरे पिताजी कवर्ड है और 60 के बाद ये लोग मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं प्रोवाइड कराते मतलब अगर मैं फाइनेंशियल वो नॉर्मल मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाऊँ तो 60 से ऊपर में वो वैसे भी नहीं देते तो मेरा एक पर्टिकुलर खत्म हो जाता है कि ठीक है मेरे माँ बाप अच्छी तरीके से अच्छे हॉस्पिटल के लिए कवर्ड है सरकारी स्कीम के जरिए एक मेरा वहां से मेंटल खत्म वो खत्म हो गया मेरे पिताजी का खुद का घर है अच्छा खासा जिसको जिसके जो कि इंडिया में ही बहुत आसानी के संग क्योंकि इंडिया में ये नॉर्म है ना कि भाई पिताजी के साथ रह रहे मतलब छोड़ोगे तो शायद लोग नीची निगाहों से देखेंगे साथ रहने को इंडिया वाले नीची निगाहों से नहीं देखते कि छोड़ने वालों को ज्यादा नीची निगाहों से देखते हैं तो वो वाला पर्टिकुलर आइडिया कि मैं मेरे पास हर वक्त ये कोई मेंटल बर्डन नहीं है कि मैं खरीदूं जा करके कि मैं खरीदूं जा करके और अगर है भी तो मेरा भाई कर चुका है मेरा भाई 1.5 साल बड़ा है तो उसने अपना ले लिया है अच्छा खासा तो वो मैं मतलब जस्ट टू टेल यू कि यार कि हर बंदे का इतना सेल्फ वो बनेगा इंडिपेंडेंट लेकर के कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या बन रही है तो मेरी कितनी हद तक माँ बाप की तरफ से प्रॉब्लम खत्म हो गई क्योंकि मेडिकल ही एक बहुत बड़ा खर्चा आता है मेडिकल इंश्योरेंस तुम्हें लेकर के वैसे भी रखना पड़ेगा नो डाउट अबाउट इट लेकिन 60 से ऊपर के वालों के लिए थोड़ी वैसे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि नॉर्मली नहीं मिलते हैं इतने और दूसरा ये वाली दुनिया कि घर वाली दुनिया वो वाली मेरा वो खत्म हो चुका है तीसरा कि मेरे खुद के नहीं है अब मेरे खुद के शौक ही नहीं है मतलब कि मैं आई एम सो हैप्पी कि मेरे को क्यों कार के हर वक्त उसकी सेवा करनी है अपनी कार की जब मेरे को ऊबर अवेलेबल है और मैं अगर एक्चुअल में निकाल भी लूँ पूरे साल में यहाँ से मेट्रो जाने के लिए भी कैब ले लिया करूँ या ऑटो ले लिया करूँ और फिर वहाँ से मेट्रो लेकर के कर लिया करूँ तब भी वो मैं जो कार में लूँगा उससे सस्ता ही पड़ेगा मुझे मतलब कि और ज़्यादा अच्छी कि उसकी केयर नहीं करनी उसको दिल्ली में तो भाई कार तो मतलब
मतलब छाती पे वजन है, तुमको कहाँ लगाओगे, और कहीं गलती से तुमने कहीं निकाल ली और कहीं फंस गए तो बस ड्राइवर की तरह बस बैठे रहो उसके अंदर में। तो आईटी रेड लाइट पे 2-2 घंटे फंसे रहोगे फिर उस टाइम। आईटी हो आश्रम मतलब ये तो मतलब थोड़ा सा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट, देयर आर सम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कार लेने के अपनी खुद की, बट ठीक है। हां यू कंटिन्यू अंकित। मैं बस ये पर्टिकुलर बात को हाईलाइट करना कि सच्चा पर्सनल थिंग, कि सच्चा कि तुम्हारा जो भी बनेगा वो बहुत ज्यादा पर्सनल बनेगा। अब जिसके भाई माँ बाप मतलब है ही नहीं, घर है ही किराए पे, और फैमिली बढ़ती चली जा रही है, तुमको पता चल रहा है कि आज यहाँ से घर से निकाल देते हैं, वहां से निकाल देते हैं, तुमको उसकी वजह से मेंटल बर्डन ज्यादा भी झेलना पड़ रहा है, वो कंडीशन में ज्यादा अच्छा है कि वो व्यक्ति घर ले ले, कम से कम उसका खत्म होगा मेंटल प्रेशर। कंडीशंस के आपके बैकग्राउंड से आप आते हो, दैट आल्सो डिपेंड्स। बट अभी बात करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी की, हाउ डिड यू गेट टू नो ऑन, व्हाट वाज द पॉइंट। YouTube के बाद वो ऐसा है, मैंने सोच लिया था कि गलती से मुझे ये हाथ लग गए, क्या नाम है, मतलब रास्ता तो मैंने सबसे चुना, जितने भी रास्ता तो सबसे गुजरा था मेरा, लेकिन अभी आई एम एट लाइक वेरी गुड प्लेस मेरे हिसाब से, कि रास्ता तो गुजरा था संदीप महेश्वरी जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये, तो मैं तो फील कर पाता हूँ कि आखिर पीपल हु फॉल फॉर दीज टाइप ऑफ पीपल वो किस तरीके की मतलब की सोच के व्यक्ति होते, क्योंकि फॉर देम दे आर एट द सेम पेडेस्टल, कि निकोलस नसीम तलेब और संदीप महेश्वरी फॉर देम आर लाइक दे बोथ आर इंटरनेशनल इंटरनेट पर्सनालिटी फॉर देम, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। आज की तारीख में आई नो के हु आई एम सपोज टू लिसन टू, लेकिन उस समय पर तो क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा था तो जो मेरे को सबसे पहले धप्पा बोल गया यूट्यूब पे मैं उसको सुनने लगा, और लोगों की भी वो होती है कि भैया जिससे तुम पहली बार अगर अभिभूत हो गए, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर में दोबारा से ह्यूमन साइकोलॉजी पे आ जाता है ना, कि कौन तुम्हारा गरेबान पकड़ने की क्षमता रखता है, और वो MLM वाला पड़ गया तुम्हारी गलती से तुम्हारे मतलब पहले रैंकिंग के अंदर में, तो हो सकता है तुम MLM के अंदर में भी घुस जाओ। आपने कभी MLM में इन्वेस्ट किया या कभी नहीं? मतलब मेरे को एक्चुअली हल्का सा इसलिए आइडिया था क्योंकि 11th-12th में मैंने सुना था एमवे का नाम कि पकड़ करके ले जाते भैया, ये दो ऐसी कंपनीज थी। अभी तो हर्बल लाइफ और मतलब कितने भाई इंडिया में साइंटोलॉजी तक आ गया, समझ रहे हो, अभी इंडिया में दिल्ली में साइंटोलॉजी की लेजिट वर्कशॉप्स और वो सब होती है साइंटोलॉजी की। अगर मतलब आई होप कि यू नो अबाउट द साइंटोलॉजी, साइंटोलॉजी अच्छा अच्छा देख लेना, मतलब कि अभी वही बात करेंगे तो फिर बात दूर तक निकलेगी, लेकिन हाँ एग्जिस्ट करते हैं और मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से, हर तरीके के लोग इंडिया में अवेलेबल हैं, और MLM वाले तो आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि भाई कैसे, मतलब लगता है मुझे यार कैसे, मतलब ठीक है समझ भी पाता हूँ मैं थोड़ा सा इस नजरिए से कि इतना ज्यादा दयनीय हालात है, जहाँ पर पीयून की नौकरी के लिए PhD और 10-10 साल से लोग पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, वहाँ पर उस दुनिया के अंदर में इस बात की पूरी संभावना है कि कोई तुमको हल्का सा सपना दिखाएगा, और ऐसा कोई व्यक्ति जो तुमसे 4 साल बड़ा है और कोट पहन करके बैठ गया है थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल करके, तो वो वैसे ही इंडिया अभिभूत हो जाता है, जो इंडिया में उस डॉक्टर को हम अच्छा मानते हैं जो बदतमीजी से बात करे, मतलब जो तुम्हें सम्मान दे और बहुत डिटेल में प्यार से माता जी भाई और करके बात करे, तुम बोलोगे अच्छा डॉक्टर नहीं है, बड़ा डॉक्टर नहीं है ये, हमारा पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर अभी तक इतना ज्यादा भरा हुआ है कि हमको कोई इज्जत से बात कर ले तो हमको लगता है, क्योंकि हम खुद हैं, हम खुद उस पर्टिकुलर प्रवृत्ति से आते हैं कि हमको अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है तो हम उसको दबा देंगे पूरा, ये नीचे बैठ तो मेरे बगल में कैसे बैठ गया, इन जनरल के कि वो है ही नहीं ना इक्वल वाली बात, के हम बात ही मानते ही जस्टिफाई भी करना चालू कर देते हैं कि वो अगर ऐसा कर रहा है बिकॉज वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए ऐसा कर रहा, तो बनता है उसका ऐसा कर रहा। तो ये चीज मैंने यहाँ पर देखी थी जब मैं यूके में, अभी जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो जो ब्रिट्स हैं यहाँ पर, ब्रिट्स बच्चे हैं, ब्रिटिशर्स, वो टीचर के साथ खड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं, बिकॉज एक ब्रेक हुआ 10 मिनट्स का जिसमें टीचर बाहर जाके पी रहे हैं, वो लोग भी साथ में ही खड़े हैं, साथ में ही पी रहे हैं और एक डिस्कशन कर रहे हैं ऑन अ रैंडम थिंग, लेट्स से फुटबॉल, ये वो फलाना ढमकाना, आप कर सकते हो अपने टीचर के साथ, हम में से मतलब बीइंग एन इंडियन, इंडिया में तो क्या है, इंडिया में तो मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग कि तुम मतलब कुटाई, बढ़िया वाली कुटाई, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि और अभी मतलब तो वहां पर तो तुम क्या ही ठीक है, मतलब कि मैं कभी कभी लगता है मुझे कि
क्योंकि कल्चरल शॉक ऐसे ही नहीं बोलते हम, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है अगर इंडिया के अंदर में, तो देयर इज अ, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, बट मैं बस कह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको अगर हम खींचेंगे तो कोई रीजन निकल करके आएगा वहां पे, जो कि दिस इज वाई, मतलब कि अभी नहीं, वो वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, लेट इट गो. लेकिन हाँ क्योंकि या डेमोक्रेटाइजेशन ही तो हुआ है ना इंटरनेट से, कि भाई तुमको वो नॉलेज मैटर कर रही है कि सोर्स मैटर कर रहा है, कि IIM में जाकर के लेनी है, तो वो तो नॉलेज इटसेल्फ मैटर कर रहा है ना, तो वो तो डेमोक्रेटाइजेशन अगर हो गया है, और अगर, और कितना खतरनाक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है कि भाई तुम ये लो बर्कली के या लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर जो है बैठ करके इंडिया में बैठ करके फ्री में ले सकते हो, तो वो तो, वो तो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है. तो मेरे को तो और अच्छा लगता है इसके इस नजरिए से कि क्या नाम है कि अब एक्सेसिबिलिटी वाकई में बहुत अच्छी है इस वक्त. बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि जस्ट बिकॉज नॉलेज इतनी सारी अवेलेबल है और हर कोई आके ज्ञान दे रहे हैं कि, तो कई सारे गलत चीजें भी आ रही है, ठीक है. मैंने खुद देखा लोग आके इस पे कुछ भी बोल के चले जाते हैं कि आप अपने क्यों टैक्स भर रहे हैं 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए की इनकम पे, मैं आपका टैक्स बचा के दिखाता हूँ, तो वो कुछ भी ऊट पटांग बता के चले जाते हैं. और बंदा एक बार, तो व्हेनेवर एनीबडी लाइक हूएवर आवर लिसनर इज जो भी देख रहा है इस चीज को, कोई भी चीज अगर आप इंटरनेट पे देखते हो प्लीज उसको जाके क्रॉस वेरीफाई करो कि वो कितनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है. इंडिया में साइबर क्राइम आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कितने बड़े हैं. टेलीग्राम का जो CEO है, कौन है, फाउंडर है, जिसको अभी अरेस्ट भी किया गया है, कि मतलब कर लिया गया टेलीग्राम वाले का. और क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर में जो फाइनेंशियल स्कैम चल रहे हैं वो टेलीग्राम पे चल रहे हैं, टेलीग्राम पे. आओ तुम, हम तुमको टिप देंगे क्या, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा फ्यूचर और ऑप्शन क्या करना है. तो मैं, ये तो मुझे पता है कि टेलीग्राम तो बहुत ज्यादा स्क्रूड अप है इस पर्टिकुलर नजरिए से, स्कैम वाले पर्टिकुलर नजरिए से. तो हाँ, मतलब कि मैं बाकी क्या बात करूं, मेरे मतलब कि इतना तक हुआ कि उसका मैं, मतलब मैं केस डिस्कस कर रहा हूं, मेरा दोस्त है, आईसर में ही थे हम, और उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आया. बट अब क्या हो रहा है कि नंबर किसी ने, अब उसका रात में सो रहे हैं, जिसका एक्चुअल में फोन है उसका मोबाइल हैक हो चुका है, उसका व्हाट्सएप अब कोई और इस्तेमाल कर रहा है. वो जो व्यक्ति व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है उसने मेरे दोस्त को मैसेज भेजे उसी पर्टिकुलर, यार दोस्त ऐसे ऐसे, मम्मी वहां पे, वो मैं अभी कॉल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे पैसे चाहिए, वो 1 लाख रुपए उसमें चाहिए, उसने भेज दिए, उसने भेज दिए, और वो फिर केस गया. तो अगर आईसर्स के अंदर में रह करके, जिनको हम सो कॉल्ड मानते हैं कि ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझदार लोग हैं, और कितना वीडियोज भरी पड़ी है ना, मतलब इंडिया और बांग्लादेश हम स्कैमर्स का गढ़ है, चाहे काल रॉक की वीडियो हो, चाहे इंडिया जो एक्सपोजर, जो वीडियो देखी है ना सारी की सारी, जिसमें इंडियन, इंडिया में जो स्कैमर्स बैठे उनको एक्सपोज करने वाले जो वीडियोज होते हैं, तो हम तो गढ़ है पूरे वर्ल्ड का साइबर स्कैमिंग के अंदर में, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इसके अंदर. और उसमें से भी बंगाल सेंटर रहे, बंगाल बहुत अच्छा बड़ा सेंटर है. ऐसे एक बार नितिन के क्रेडिट का डेबिट कार्ड से पैसे निकल रखे ATM से, पता नहीं कहां छत्तीसगढ़ में निकले थे इसके. कितने निकले थे, शुगर कम थे, 26,000 रुपए थे. अच्छा, उसके अंदर में थे, मतलब डेबिट में थे ही कम, मतलब अकाउंट में 28,000 या 27,000 रुपए थे. और 26, मुझे मैसेज आया 10,000 डेबिट है, 10,000 डेबिट, 6,000 डेबिट, और मैंने वो वॉलेट निकाला, कार्ड मेरे पास है. लेकिन इट्स अ फैसिलिटी कि आप बैंक को बहुत जल्दी अगर आप रिपोर्ट कर देते हो, अगर 24 hours इंडिया कितनी कर रहा है भाई, मतलब पता है ना कि वो UPI जो, जितना बाकी जितने भी मेरे दोस्त हैं जानकार हैं उनकी लाइफ जो UPI ने इंडिया में इजी किया, मैं तो नहीं, मैं फैक्चुअली मैं कैश नहीं कैरी कर रहा हूँ, मैं 5 रुपए तक जो है वो UPI कर रहा हूँ, मैं 5 से 50,000 के बीच का सब UPI कर रहा हूँ. और बाहर वाले दोस्त पगला रहे हैं कि भाई ये क्या ही हो रहा है, ये क्या ही कर रहे हैं बाहर, कैश कैश की बात कर रहा हूं, मैं वॉलेट तक कैरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डिजी लॉकर में मेरा लाइसेंस है, मेरा RC है, सब कुछ है, मेरा UPI है, व्हाई वुड आई कैरी वॉलेट यार. लेकिन मुझे समझता नहीं, मतलब देखो UPI इज अ, क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी थिंग, अग्री, बट जब से मैं यहाँ आया UK वगैरह, यहाँ पर ऑलरेडी मतलब एप्पल पे है, मतलब इंडिया में एप्पल पे यूज नहीं होता, यहाँ पर भी मैं कैश कैरी नहीं करता हूँ, शायद मतलब अभी मेरा वॉलेट चेक करो, शायद 100 pounds भी नहीं होंगे मेरे पास. तो यहाँ पर शुरू से है वो, मुझे लगता है कि इंडिया, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में UPI आया, QR कोड बहुत वो है, इजी है, बहुत हो गया.
लेकिन यहाँ ऑलरेडी इजी था, मतलब हम यहाँ वाले उस चीज़ को अचीवमेंट तक नहीं मानते, मतलब मैं इस चीज़ में किसी भी तरीके से डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इट्स नॉट वेरी कि कुछ ऐसा हमने उन लोगों के लिए अंतर आ रहा है, या तो जो लोग एज ए विजिटर जा रहे हैं जो कि जिनको कि उतना इनकॉर्पोरेटेड नहीं है उस सिस्टम में कि उनको वो सारी चीजें मिल पाए, अवेल हो पाए, मतलब मेरे दो तरीके के दोस्त हैं, मतलब ये बहुत सारा दोस्त का जत्था है जो अलग अलग जगह है, और उनकी ये पर्टिकुलर वो है कि भैया हमको तकलीफ हो रही है कि कैश एक्चुअली में कैरी करना पड़ रहा है, स्टूडेंट वाले या फिर वो वाले हैं, तो मेरे को मेरा जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कि देम यूपीआई इज अ फार बेटर चॉइस इफ गिवन, यहाँ बैठ के यूपीआई यूज करना इज वेरी वो तो कन्वीनिएंट, अब तो वहां पे भी शुरू हुआ ना, मतलब यूएई पेरिस, आई थिंक पेरिस, पेरिस में आई थिंक अभी नहीं, यूएई में तो भी हुआ है, बट ठीक है, अब वी आर डाइग्रेसिंग अ लिटिल, यूएई में तो आईएनआर ही चल जाता है, तो क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पे एक और क्वेश्चन था अभी अंकित आपके लिए कि any financial regret that you have in your life that you have done something and you later ki nahi yaar ye galat kar diya ki ye theek ho sakta tha ya fir yahan par is tarah se nahi karna chahiye related to finance, regret nahi hai, okay, regret bilkul bhi nahi hai, lekin could have been done better, let's say like this could have been done better, don't tell me investing jaldi shuru kar deni chahiye thi wo sab bol rahe mujhe wo nahi chahiye वो तो तुम अपनी सेहत सही रखो, चार साल पांच साल बाद में मर जाना तब भी वो इंक्रीज मतलब अब पिछला जो चीज बदल नहीं सकती वो क्यों रो रहे हो आगे One regret that I have is using enough of credit cards. जो मुझे lately realize हुआ कि I should not use credit card. दुनिया I know बहुत इसको वो करती है, rationalize करती है कि भाई credit cards से मैंने इतने पैसे बचा लिए, मैंने flight पे कर लिए. For me, I am an impulsive buyer. मुझे बहुत lately बहुत बाद में realize हुआ कि I am one of those people जिनके लिए रात को Myntra पे sale start होती है 12 बजे. वो मेरे लिए start होती है. कि इधर आप रात को psychological चीज़ है. इधर आप drunk हैं या फिर आप lonely हैं या फिर आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा bored हैं. ठीक है, तो आपके लिए रात को 12 बजे मिंत्रा सेल लेके आता है और आपको फील कराता है कि दुनिया आपकी अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये रात को 12 बजे स्क्रॉल कर रहा होता कि कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी 10 पड़े हैं लेकिन फिर भी मुझे एक और लेना है, क्यों, क्रेडिट कार्ड पे लेट अवेलेबल है, मैं पे कर दूंगा. ये चीज मैं नीरज अरोड़ा, एक तरुण को इंटरप्ट कर रहा हूं, वो सीए नीरज अरोड़ा जो है, मतलब ऑल्दो मुझे पता है कि उनको सीए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो नीरज अरोड़ा जी जो है वो ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड उसी के लिए बने हैं जिसको एक्चुअली क्रेडिट की जरूरत नहीं है, नहीं है, वरना तो भसड़ हो जाती है, जो लाइव तरुण बता रहा है. तो ये मेरे साथ हुआ है, आई नो अ फ्रेंड, हमारा कॉमन फ्रेंड ही है जिसने एक क्रेडिट कार्ड पूरा मैक्स आउट करा, फिर एक लोन लिया, उस क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ कर दिया, ये मैं सुनता हूं ना मेरा दिल बैठ गया, हां उस क्रेडिट कार्ड को दोबारा मैक्स आउट कर दिया. ठीक है, ये हमारे कॉमन फ्रेंड है, तो उसका जब सिनेरियो देखा था तब मेरी बहुत एकदम हालत खराब हो गई थी कि भाई मुझे यहाँ नहीं पहुंचना कि इस पर, क्योंकि ये एंडलेस है, ये लोन बढ़ता जाएगा हमेशा, और बैंक चाहता है कि आप ऐसी हरकतें करो भाई, यही तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. अगर आप अपने बच्चे को 500 रुपए देके बोलते हो कि 500 में ही महीना गुजारना है, तो उसको 1000 की क्रेडिट लिमिट में मिलेगी ना, वो नहीं खर्चेगा क्योंकि उसे 500 में जीना आ जाएगा. तो वही मेरा तो रिग्रेट ये है कि ढंग से क्रेडिट कार्ड को, लाइक क्रेडिट कार्ड को अब्यूज करना, मिसयूज भी नहीं, मैं तो अब्यूज कहूंगा कि अब्यूज करना क्रेडिट कार्ड्स को, तो वो दैट हैड बीन समथिंग दैट आई कुड हैव डन बेटर, दैट कुड हैव लर्नड अर्ली स्टेज में आके रादर देन लेटर. व्हाट अबाउट यू रितेश, तेरा क्या लगता है, व्हाट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज पुअर, मतलब वो है कि द थिंग इज कि आई थिंक मेरे जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं टुवर्ड्स कि थोड़ा सा भी कन्वीनियंस अगर मिल रहा है I will pay more. Instead of थोड़ा सा भी हैसल अगर मुझे पड़ रहा है तो मैं वो नहीं करूंगा, मैं पे करूंगा. वो एक हमेशा से वो एक हो गया इनबिल्ट ऐसा, अभी भी वो कभी कभी कुछ चीजों में दिख जाता है मुझे कि आई एम पेइंग मोर इंस्टेड कि मैं कुछ एफर्ट करके इसको बचा सकता हूँ. तो वो मुझे लगता है कि वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है और वो करना जरूर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी भी मेरा खराब है थोड़ा सा. मेरा अवगेर में सोचू तो मैं अगर बोलूंगा तो बस इतना बोलूंगा कि मुझे जो मेरे जिनका ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पास मान लो 1,00,000 रुपए और ये 1,00,000 रुपए 5-6 सिनेरियो है, कि एक बार चोरी हो गए, एक बार तुमको थप्पड़ मारकर कोई ले गया है,
एक और तुम्हारा एक्चुअल में कोई जिगरी आ रहा है जिसको सच में मतलब इट वाज सच अ जेन्युइन जरूरत थी कि उसको जरूरत थी और तुम्हारे पास इट हैपेंड टू बी देयर, 1,00,000 रुपए तुमने दे दिए और ऐसे 5-6 सिनेरियो, इनिशियल आउटकम मतलब फाइनल आउटकम आर आइडेंटिकल कि तुम्हारे पास 1,00,000 थे अब 1,00,000 नहीं, लेकिन इन सबका जो मेंटल प्रभाव है वो ड्रास्टिकली डिफरेंट होगा हर पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर में। और तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए जो मुझे अगर हल्का सा बदलना पड़े तो जिनको मैं असल में चाहता हूँ, जिनके ऊपर मैं 1,00,000 रुपए खर्च करके भी कुछ वो नहीं होगा, मतलब जो मेरे प्राइमरी पे आते हैं, आई कुड हैव लाइक स्पेंड अ लिटिल बिट मोर ऑन देम कि मैं उनको खुशी दे सकता था थोड़ी और अच्छी, रादर देन के नहीं छोड़ना, मैं ना लिफ्ट रादर देन ऑफ दिस फिलोसफी ना अपने को गिफ्ट लेना है ना अपने को गिफ्ट देना है, तो बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव वाले में सुन, तो मैं हल्का हल्का सा लिबरल हो रहा हूँ स्पेंडिंग में, तो वो बस जर्नी है, तो मेरा इस डायरेक्शन से तो लिटरली नहीं है, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा स्टॉप करता हूँ। लोग जो बोलते हैं ना कि पहले सोचो 3 दिन किसी भी चीज को लेने से पहले, मैं 3 महीने सोचे पे पहले, मेरा चली 3 महीने पे रहा है। मुझे तो ये करना पड़ा कि जबरदस्ती के नहीं नहीं ठीक है इसको एज अ वो लेते हैं इन्वेस्टमेंट लेते हैं और इसको करते हैं। वेरी गुड, मतलब कुछ भी जो एक प्रॉब्लम रहती है ना कि आपने इंपल्सिव परचेज कर लिया तो आपके साथ नहीं हो रहा, आई थिंक प्रोकास्टिनेशन यहां पर सबसे ज्यादा काम करती है, यहाँ पर आ जाए प्रोकास्टिनेशन तो बढ़िया सबसे ज्यादा, ये चलता रहेगा ये यहाँ पर होना चाहिए जहाँ नहीं है हमारे पास। अरे मैं उसके तरीके का व्यक्ति हूँ कि मेरे को लग रहा है कि मुझे जिम जाना चाहिए, जिम जाना, मैंने खुद के ऊपर बंदिश डाल ली कि जब तक 3 महीने तक अगर मैं डेली घर पे एक्सरसाइज करूंगा तो 3 महीने के बाद जिम ज्वाइन कर लूँ, ये इस टाइप का मेंटालिटी, मतलब हेल्थ के लिए मैंने ये अपने ऊपर बदल दिया कि मैं 3 महीने क्या करूंगा, अगर मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ घर पे तो मैं 3 महीने बाद जिम ज्वाइन करने का हकदार हूँ। ये चल रहा है, हम 3 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लेंगे फिर उसके लिए यहाँ जाके देखूंगा। असली की वो है कि सबके अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ मतलब अब मेरे को लग रहा है हो गया मेरा, मतलब कि मैं आई एम एट अ प्लेस जहाँ पर मेरा बैलेंस आ गया है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है मे बी रॉन्ग बट ऐसा लग रहा है मुझे कि बैलेंस पे आ गया हूँ मैं, कि जहाँ पर स्पेंडिंग और सेविंग, क्योंकि सेविंग भी हो गई है इतनी और स्पेंडिंग अब चली रही है जो आ रहा है। ठीक, चलो इसी पे ही मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, तुम सॉरी को इंटरप्ट करो, स्पेसिफिकली ऑन अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एनी, कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मत उठाना कि सिर पे बॉस नहीं होता ये नहीं होता, ओनली फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, डूइंग सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम इज बेटर देन डूइंग जॉब। सोशल मीडिया एज अ क्रिएटर पूछ रहे हो तरुण साहब, एज अ क्रिएटर, since you are saying that you reach your balance, ek thoda ek mind are you are asking me, are you asking me? Yeah. Oh sorry, my bad. ha please dobara question bolo, mere ko laga tarun se puch raha hai aap. nahi nahi tarun ko main sorry bol raha tha to interrupt, aap se puch raha hu ki from a social media, from a sorry financial point of view only, doing social media is better than doing a job, no qualitative aspect, kuch bhi ye nahi ki to apni azadi hai jab marzi kar liya ye kar liya, only एक रीजन ही बहुत था और वो ये कि मेरे ऊपर कोई नहीं, बस कितना ही काफी, वो तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फार बेटर है यू डोंट एक एमएससी वाले बच्चे को कोई बाहर का बंदा क्या दे देगा एज कम्पेयर टू अगर मैं खुद अपनी वर्टिकल्स अगर इकट्ठे कर रहा हूँ या वर्टिकल्स स्थापित कर रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब का हो, इंस्टाग्राम का हो, साइंस टॉयज का हो, चाहे दूसरी चीज़ों का हो, चाहे ऑफलाइन वर्ल्ड का हो, दोस्तों के वेंचर्स में इन्वेस्टिंग का क्या हो, वो कुछ मतलब एक एमएससी के बंदे को बाहर की जॉब दे ही नहीं सकती, क्या दे देंगे, 50,000 रुपये दे देंगे। मेरे लिए तो बहुत अच्छे, मतलब कि मैं क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ मैं ही हूँ, जो करना है मुझे करना है, मुझे वर्टिकल स्थापित करने, बस ओके, क्वांटिटी वाइज पूछ रहे हो ना आपके, मतलब कि इफ आई एम नॉट लाइक, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं नहीं समझ गया, बिल्कुल ठीक है आपका, पर मैं वही पूछ रहा था ओनली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस यू टोल्ड कि आप एक मैजिक नंबर तक अपने हिसाब से पहुंच गए हो, तो अगर आप जॉब कर रहे होते तो डू यू थिंक आप पहुंचते या नहीं पहुंचते? नहीं, अब और मेरा तो अब सेकंड इनिंग शुरू होनी है, दिस इज माई सेकेंड इनिंग, एक इनिंग मेरी हो चुकी है जिसमें मैं अपने हिसाब से सेटल हो चुका हूँ, दिस इज लाइक आई हैव जस्ट स्टार्टेड, लाइक 6 महीने जो हुए हैं मुझे अभी जो अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करते हुए, अब इसको मुझे 2 साल के अंदर अंदर में अपना, क्योंकि मेरे हिसाब से सोशल मीडिया गिव्स यू पीक, तो ये मेरे को पीक मिली है 2 साल की,
अभी 2 साल के अंदर में मैं जितना कैश इसको डबल डाउन करके कैश निकाल सकता हूँ उसे निकालूंगा। अभी अभी मैं वापस थोड़ा सी चीज़ पे आता हूँ, जब आपने बोला था कि दैट रिग्रेट अबाउट योर मनी एंड तो उसी पे एक और क्वेश्चन इसके एक्सटेंशन में दैट सो बाय लाइक लिसनिंग टू यू व्हाट आई हैव अंडरस्टैंड करेक्ट मी प्लीज इफ आई एम रॉन्ग कि यू आर ऑफ दिस इन दिस उस वे में आप सोचते कि दैट मनी कैन बाय हैप्पीनेस फॉर यू राइट सो इज इट ट्रू दैट यू फील दैट दैट मनी कैन बाय हैप्पीनेस फॉर यू राइट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस ये डायलॉग केवल वही बोले जिसके पास पैसा है क्योंकि उसके बाद सेकंड लेवल की परेशानियां शुरू होंगी ना। मतलब मान लिया कि लोग बोलते हैं कि भैया मेंटल परेशानियां शुरू होती है लेकिन भूखा तो नहीं है ना वो, उसका बच्चा अगर पड़ा हुआ है बिस्तर पे बीमारी में तो उसको ये बात तो नहीं खा रही है ना कि ये बच्चे को मेरे पे दवाई या डॉक्टर को 1500 रुपए की मैं विजिटिंग चार्ज कैसे दूं। वो तुम्हारी जो भी सेकंड भाई पैसा 99% प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वो 1% वो ऐसी है जो तुम बकैती वाली बना रखी वो हो जाएगी। मैं और नितिन हमेशा कहते हैं कि पैसा कुछ दे ना दे आपको एक होप जरूर देता है कि आपके जेब में पैसा ना तक होप है कि आपको कल को कुछ भगवान न करे कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा तो इट विल बी एबल टू हेल्प यू as you said 99% aapki problem dur kar dega at least। main ek bar usko sun raha tha Jitendra Chokshi fitness influencer hai jinka fitter hai agar aapko pata ho to acha ha okay to unhone matlab bataya tha ki 70% of the indian houses are one medical bill away to become to reach poverty। isliye medical insurance jab mujhe laga jis din mujhe ehsaas hua ki bhaiya hona hi chahiye to matlab medical insurance matlab aapka khud ka insurance health insurance aur term insurance ये दो ऐसे बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन है जो आपको सबसे पहले ले लेने चाहिए। मेरा भी इधर हो गया। अभी ना मेरे माइंड में अचानक से एक स्टोरी क्लिक करी है, बताता हूँ कि एक बार मैं कपिल देव जो हमारे इंडियन वो थे क्रिकेटर थे उनका कोई पॉडकास्ट सुन रहा था तो पीपल वर डिस्कसिंग की वो बहुत उनकी इन्वेस्टमेंट पता है ऑस्ट्रेलिया में कहीं खेलने गए थे तो उनके कोच हुआ करते थे ठीक है और उस टाइम पे इनको डेली अलाउंसेस मिला करते थे अपने खर्च करने के लिए। तो एक बार इनके जो कोच थे ना हम प्रैक्टिस करने गए, प्रैक्टिस करके हम खाना ना खाने चल गए, जब हम वापस आए दोबारा तो वहीं पर बैठे हुए थे तो हमने पूछा कि कोच आप तो जाने वाले थे क्या हुआ, कह रहे यार मुझे ना एक्चुअली डेली अलाउंसेस मिलते थे मुझे मिले नहीं अब तक यार वो तो जब तक वो मिलेंगे नहीं मैं खाना नहीं खा पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो कह रहा दैट डे इट हिट मी सो हार्ड कि ये आदमी हमारा कोच है जो अपने फाइनेंसेस को इतना नीचे तक गिरा चुका है कि इसको डेली अलाउंसेस पे बिल्कुल डिपेंड होना पड़ रहा है। कह रहा दैट डे आई रियलाइज कि मैं अपने आप को चाहे क्रिकेट आज भी छोड़ दूंगा लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली कभी इस चीज खराब नहीं होगा। एंड दैट डे ही डिसाइडेड टू बिल्ड हिज एंटायर एम्पायर आई वुड से कि या, या, क्योंकि somehow उनका डिसीजन चल गया क्योंकि चंडीगढ़ उस टाइम पे सस्ता था बहुत चंडीगढ़ तो फटा है मतलब जो रेंटल यील्ड जो भी बोल लो उसको आप सॉरी कुछ बोल रहे थे नहीं उन्होंने कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करी कुछ बताया किया गया ये तो ट्रिगर नहीं नहीं मेरे को ये याद है उनका ये आया था मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि किस में था बट यही था कि क्योंकि इतना वो नहीं था तो किसी ने ही सलाह दी थी ऐसे रैंडम के खरीद दे मतलब कि जमीन के अंदर में कि वो ये मेरे ख्याल से रैना और सहवाग की भी चल रही थी कि सेम चीज के तो उसने बोला कि गाड़ी में मत खरीदो सहवाग ने बोला रैना को गाड़ी में क्योंकि गाड़ी तो ड्राइवर चलाएगा कितनी खड़ी रहेगी तो घर खरीद अच्छा कम से कम घर वाले तो एंजॉय करें गाड़ी आना जाने में कितना इस वो कर लोगे तो गाड़ी पे इतना मत करियो घर खरीद ले। तो उसी तरीके से उनको भी किसी ने ऐसे बोला ही था तो उन्होंने वो रियल स्टेट में डालना शुरू किया था और फिर तो वो लाइक बहुत खतरनाक बढ़ा। अब तो कितना ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहाँ पर उनके पैसे नहीं इस टाइम पे दे ही हैज ओन रेस्टोरेंट उनका खुद का है कि अब वो है ना कि वो इतना ज्यादा पब्लिक आई में आता नहीं है क्योंकि वो 18 है ये है वो जो चल रहे हो तो उनके वैसे बट इनका ही इज अ वेरी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट काफी अच्छा उनका चल मतलब PR वैसी नहीं है ना exactly, PR ये, और ये चाहिए ना ये इसकी लाइन है आई डोंट रिमेम्बर बट लाइक आउट ऑफ 4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन अनोनिमस एंड रिच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर इफ यू कैन अफोर्ड करेक्ट मैं कल ही किसी से देख रहा था कि इफ हैव टू गिव अ चॉइस बिटवीन टू बीइंग अ फेमस और बीइंग अ रिच मोस्ट ऑफ द पीपल
who are foolish will always choose fame, but who are smart will always choose money. क्योंकि आपको पता है कि फेम के साथ कितनी रिस्ट्रिक्शंस आती है, आपको नहीं पता है कि आपके सर पे कितनी चीजें चढ़ेंगी, बट एवरीवन नो कि अगर आपके पास पैसा है तो आप आराम से इस चीज को मैनेज कर सकते हो. इसमें मेरे को नीरज अरोड़ा की एक बात याद आ रही है, वो किसी पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि वेल्थ इज एक्चुअली यू कैन नॉट सी, यू डोंट नो. मतलब वो एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि आप मेरे घर पे आए, आपने वहां पे एक फरारी खड़ी देखी, कहा नहीं यार वही मेरी वेल्थ है. अगर आपने फरारी खड़ी देखी थी तो वो एक्सपेंडिचर देखा. करेक्ट, वाह, वो मतलब एक बहुत बेहतरीन कि यार बहुत ही एक्चुअली यू कैन नॉट सी कि हाँ यार क्या है इस बंदे के पास या क्या दैट कुड हैव बीन देयर. मैं लिटरली लोगों को देखता हूँ, देखते मतलब कि अपने ही खानदान में एक्सटेंडेड फैमिली में 20,000 की फैमिली सैलरी में आईफोन 15 प्रो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है. और ये मालूम है ज्यादातर मैंने ब्रेक भी किया इसको, ब्रेक एज इन आइडिया के लेवल पे मैंने ब्रेक किया कि हो क्या रहा है इन पर्टिकुलर कपल्स में. इन पर्टिकुलर कपल्स में जिसके हाथ में फोन है उसने नहीं खरीदा है, उसने बस उड़ते उड़ते सुना है कि इसको पसंद है आईफोन. और जो सेकंड पार्टनर है उसने आउट ऑफ लव कि भैया चाहे किडनी बेचनी पड़ जाए, चाहे 2 महीने का लेकर के कैसे भी करके आई विल गिफ्ट हिम और मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और मेरे को प्यार मिलेगा. ये वहां से आ रहा है. वो बंदे मतलब होंगे, बट मैंने जो देखा ज्यादातर कि मैंने उसमें जज करने की कोशिश की, मैंने पूछा भी एक्चुअली ये कहाँ से आया, इसने कौन कौन पे किया, तो फिर मेरे को ज्यादातर केसेस में यही सुनने को मिला कि ये जो ऑपोजिट वाला पार्टनर है ना, उसने कहीं से सुना कि इसको ये चीज पसंद है तो उसने वो चीज ला करके उसको दी. हो सकता है, लेकिन जात उनके कंबाइंड से रही है ना, मतलब इट्स नॉट अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे. अगर आपको ईएमआई पे करनी पड़ रही है वो करनी पड़ रही है तो इट्स नॉट अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन. बट वो ना क्या, और मेरे को लग रहा है कि गुड फोन्स आर गेटिंग, ये मार्कस ब्राउनली जो चैनल है ना MKBHD है ना, तो उसका कोट है गुड फोन्स आर गेटिंग चीप एंड चीप फोन्स आर गेटिंग गुड. और लिटरली आज की डेट में जो भी 12 से 15 से 20 वाला भी फोन आर केपेबल टू डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइक इंडिया के अंदर बैठ के, तुमने पहली बात तो 80% तो तुमने सोशल मीडिया ही कंज्यूम करना है. उसके बाद भी अगर तुम्हारी एक्चुअली स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है भी तब भी वो पर्टिकुलर कैमरा या वो पर्टिकुलर क्या नाम है फोन is more than sufficient to fulfill all your requirements. वो तो वो ना status symbol है, वो ही चीज की मुझे बस अपने आप को संतुष्ट करना society के अंदर. Society में acceptance kind of और चल रहा है ना ये तो मेरे को, मैं तो पूरा credit उस नवल को ही दूंगा कि ये idea मेरे दिमाग में implant करना कि what is the difference between a status game and a money game. Everyone can win a money game, but स्टेटस गेम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी ही है कि द पर्सन हु इज एट टॉप हैज टू कम डाउन एट नंबर 2 सो दैट अनदर पर्सन कैन एक्वायर दैट पोजीशन. ये उसका इनहेरेंट पिरामिडल स्कीम है कि उसमें दूसरे को हटना ही पड़ेगा. लेकिन अगर मैं घर बना रहा हूँ और ज्यादा लोगों को घर चाहिए तो मैं ज्यादा चीजें बनेंगी और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट नीचे आएगी, तो इस बात की संभावना कि सबको घर मिल पाए ये ज्यादा सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू एक व्यक्ति को घर मिले. तो सब लोग एक पर्टिकुलर अच्छा जीवन जी सकें, एक जो मिनिमम जो चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, घर, पानी, वेल न्यूट्रिशन, अच्छा हेल्थ केयर, यही तो चीजें चाहिए. एक हद के बाद ये जो मिनिमम एमिनिटीज के बाद में फिर वो तो चला गया, फिर तो तुम टाइज द लिमिट, वो तो तुम जितना मर्जी कर लो, लेकिन ये चीजें सब लोगों को मिल सकती है. प्लीज ये जो आइडिया है ना, ये भी बलाई बड़ा ही बॉलीवुड वाला आइडिया है सेंट्रलाइज के कोई अगर अमीर बना है तो वो गरीबों का खून चूस करके ही बनाए, मतलब के वो डिफॉल्ट वैल्यू पे विलेन है. अगर somebody is अमीर तो वो हम पहले से इंडियन सोसाइटी में मान करके चलते हैं कि वो 2 नंबर का पैसा है और वो बना ही इन लोगों का पैसा छीन करके है. जबकि द कैपिटलिज्म इज सो, मतलब कि मेरे को तो डेमोक्रेसी की अगर सबसे क्लोजेस्ट कोई आइडिया लगता है तो वो कैपिटलिज्म ही है कि इट्स बेस्ड ऑन इंसेंटिव और इंसेंटिव के बेसिस पर कि तुम इस तरीके की सोसाइटी बना रहे हो कि जिसमें संभावना है कि सब लोग ऊपर उठेंगे रादर देन अ बंच ऑफ पीपल. तो ये आइडिया मतलब कि नो डाउट मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगता है कि भैया स्टेटस गेम वर्सेज मनी गेम. स्टेटस गेम मनी गेम तो ये है ही नवल रविंद्र कांत की, और है जो मुझे हमेशा उनकी कोट है, बेसिकली एक लाइन थी जो हमेशा वो है एल्मेनाक ऑफ नवल रवि कांत के नाम से है और वो उन लोगों ने बैठ करके वो खोला है. तो इनके एक जो रोगन के साथ पॉडकास्ट था तो उसमें वो बात करते कि जनरली ह्यूमंस की 2 लाइफ होती है,
और सेकंड लाइफ तब स्टार्ट होती है जब आपको रियलाइज होता है कि आपकी एक लाइफ है। आई लव्ड दिस हां कि आपको सेकंड वाली तब स्टार्ट होती है जब आपको रियलाइज होता है कि आपकी एक ही लाइफ है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग अच्छा खाना है, मुझे अच्छा पीना है, मुझे अपने फाइनेंसिस मैनेज कर रहे हैं, मुझे ये करने हैं। एंड आई वाज ब्लोन अवे कि यार ये क्या बात बोलती थी, बड़ी बात बहुत खतरनाक थी। हमेशा वैसा तो स्टक करके रह गया। नोवेल रविकांत की बात थी वो ऐसी है, वो बहुत बढ़िया बात थी उनकी, क्योंकि ये फिर वहां से ही मुझे ये तो प्राइमरी लेवल पे नवल ने मिलाया था इन सब लोगों से, सेकेंडरी लेवल पर भी मिलवाया हुआ है नवल ने लोगों से, जिसमें के जिद्दू कृष्णमूर्ति के आइडियाज, मियामोतो मुसाशी के आइडियाज, और थोड़ा बहुत जेन, थोड़ा बहुत ये कि बट वो नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है इसमें कहीं से भी कहीं तक। इसमें अगर कोई सेंट्रल आइडिया है देन इट इज एफिशिएंसी, वेदर अ प्रोसेस इज एफिशिएंट और नॉट, as simple as that. इसमें कोई spirituality का angle नहीं है, कोई मतलब कि वो ये ना holier than thou बन जाना कि अरे तुमको एक नई दुनिया दिखाते हैं, वो same ही level पर है कि वो जो मैंने बोला ना कि anybody who is who want to like attain spiritual enlightenment is as bad as who want to attain a thar, के भी दोनों बस same level पे हैं, दोनों को एक चमका चमकने वाली चीज जो है वो उसके पीछे भाग रहे हैं दोनों के दोनों। आप उनके ट्वीट भी पढ़ लो, वो भी काफी है। आप उनके पॉडकास्ट भी देखो, उनके ट्वीट्स भी देखो। एक्चुअली तीन घंटे का एक तीन या साढ़े तीन घंटे का वीडियो है नवल का, और उसके अंदर में उसने यही किया है कि वो और एक दूसरा बंदा बैठ करके कोट ट्वीट पढ़ते हैं, ट्वीट को एलैबोरेट करते हैं, ट्वीट पढ़ते हैं, ट्वीट को एलैबोरेट करते हैं, ट्वीट पढ़ते हैं, ट्वीट को एलैबोरेट करते हैं। तीन या साढ़े तीन घंटे का है वो, और I'm not even exaggerating, वो कम से कम नहीं तो 40 से 50 बार सुना है मैंने शुरू से एंड तक। मैं देखा क्योंकि मेरे को साइकिल करने का, साइकिल चलाना बड़ा पसंद है, दूधिया साइकिल है मेरे पास, तो मैं दूधिया साइकिल चलाता हूँ, कान में लगाया वो, और वो आई लव इट, मतलब कि मुझे बहुत पसंद है साइकिल चलाना। चलो सही है, ऑलराइट, सो बहुत अच्छा था ये। एनीथिंग एनीवन वांट्स टू एंड कुछ एक एंड नोट के साथ, तरुण अंकित कुछ भी? कैसी बात कर रहा हूँ, पिछली बार भी तो बोला था कि चार पांच मेरे हाव भाव से लग रहा है कि आई एम गेटिंग बोर। नहीं नहीं लग तो नहीं रहा ऐसा, बट ठीक है, बट ये है कि अंकित इसको मतलब हम कॉन्स्टेंटली भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप इट्स अप टू यू, देख ब्रेक इट डाउन, लाइक आपके क्यों क्या होता है ना कि एक बार बैठ के तीन चार घंटे में की गई गायत्री की इंटेंसिटी कभी वहां नहीं पहुंच सकती, अगर आप डेली एक एक घंटा बैठ के चार एपिसोड अगर रिकॉर्ड करें वो कभी नहीं जाएगी। वो चार घंटे एक बार अगर जब आप बैठते हैं ना तो जब आप कहाँ पहुंच जाएंगे यू विल ऑल्सो नेवर गेट टू ना। ये क्लासेस में होता था मेरे साथ कि एक ही चैप्टर पे हूँ और पढ़ाई जा रहा हूँ, तो चौथा जो घंटा होता था उसमें मुझे ही नहीं पता चलता था कि यार इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता था, वो कभी नहीं आ सकता अगर मैं डेली एक घंटे की क्लास लेता हूँ, मतलब पढ़ाने के लिए। अच्छा, नाइस, सही है। तो अभी थोड़ा क्या है कि मुझे थोड़ा सा ना अभी ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटाना है, अभी जाके इसके बाद एक पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। नो हां जी हां जी हां जी हां जी ठीक है, इसको एंड वाले को पार्ट को थोड़ा वो कर दूंगा। बाकी कुछ एंड नोट एनीथिंग अंकित यू वांट टू ऐड? नहीं, बहुत मजा आ रहा है, मेरे को दुख है कि ये लोग भाग रहे हैं। पिछली बार क्या था, होम्योपैथी इनसेन लेवल का मजा आया उसमें, लेकिन हम लोग उतना इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये फाइनेंस मनी इन सब और बहुत सारी चीजें हैं मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। अभी हम जो रिलेशनशिप मेंटल रिलेशनशिप हर एक चीज को एक निकाल करके हम अभी तो इमोशंस लाइक अभी है मनी में, अभी तो इमोशंस जुड़ेंगे अभी तो मनी हां एक्चुअली इमोशन वैल्यू और इमोशन वाला तो वो तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, अब जब भी करते हैं उसको देखेंगे हम कल परसों जैसे भी, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच तरुण, थैंक यू फॉर ऑल द टाइम। चलो मिलते हैं वेरी वेरी सून, ठीक है, थैंक यू, बाय 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 बाय, एंडिंग द रिकॉर्डिंग।